हेलो हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम। या सॉरी आई एम लेट, बट यू नो व्हाट, आई वाज ट्राइंग टू गेन थोड़ा रेटिंग बढ़ाने का कोशिश कर रहा था chess.com पे, जो कि हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं लेट हो गया, सॉरी गाइस। एंड जब अभी दूसरा जो बंदा है वो जब टाइम पर आएगा, फिर हम लोग चालू करेंगे। उन्होंने माइक लगाकर चले गए। साउंड इज फाइन, आई एम प्रिटी श्योर साउंड इज फाइन। सो दिस नो साउंड विल नॉट वर्क विथ मी। द ओनली थिंग इज, देखिए कौन आ गया। अरे सर, कैसे हो? हेलो, बढ़िया बढ़िया, हाउ आर हाय यू डूइंग। फेलो, एक सेकेंड, ये मैं हमेशा गलत कर देता हूँ। नहीं आ बढ़िया रहे? भाई, बढ़िया हाय आ फेलो है रहे? भाई। कैसे अरे आ रहे? नहीं आ रहे? तो उल्टा साइड जाओ ना, फिर ऐसे देते हैं एफ आई। अरे आप नहीं, कैसे आप क्या भाई, 2700 हो चेस में? पर ये नहीं समझ रहा आपको? क्या बस करूं, चार हो गया। स्ट्रीम हो गया ना तुम्हारे साथ। कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे हो? मैं तो खुश हूँ मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। मैं तुम्हारा, हमेशा। हाँ एकदम एकदम, आर यू श्योर? एब्सोल्युटली देखते एब्सोल्युटली। हैं, वी विल सी दिस, वी विल टेस्ट योर हैप्पीनेस। फर्स्ट आई विल टेस्ट योर हैप्पीनेस। ओ मैन, सो व्हाट हैपेंड, यू नो, आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक स्टोरी हम से। बीच पे क्या कर रहे हैं भाई, पहले ये बताओ। अच्छा हाँ, ये यही बताने के लिए तो मैं चालू किया। तो अच्छा आज हम लोग एक स्टोरी से चालू करेंगे। हुआ ये कि तुम्हारे साथ स्ट्रीम के बाद तुम तो आ नहीं रहे थे स्ट्रीम पे, तो मैं क्या करूँ, मैं डेली यहाँ पे आता था बीच पे, ये चेयर लेके बैठता था और ना ऐसे घड़ी देखता था ओ मैन, चुपचाप ओ भाई चुपचाप। भाई भाई, भाई कब आएगा कब आएगा, और समय रहना दोनों बीत रहा था, पर तुम तो आ नहीं रहे थे। मैं डेली तुमको व्हाट्सएप करता था, भाई कब आओ, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा काम रहता है। तो एक दिन ऐसे शाम को मैं ऐसे बैठा था ना, उदास देख रहा था, सडनली मुझे ये दिख गया, क्या है ये रेड बुला? एक एक लाल बैल दिख गया। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या करने को आया होगा, पानी पी के शायद एनर्जी वेनर्जी बढ़ाते हैं, एनर्जी ड्रिंक लगता है ना, तो शायद एनर्जी बढ़ाने को लिए आया होगा। तो वैसे उदास ऐसे देख रहा था क्या करूं इसको। फिर मैं देखा कि वो पानी पीने नहीं आया, वो कुछ कर रहा है। अरे मैं बोला ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा मीनिंगलेस चीजें क्यों कर रहा है, इसको और कुछ काम भी तो होगा ना, ऐसा सर लेके क्या, ये क्या ऐसा क्यों घुमा रहा है, डाइस लेके क्या कर रहा है, पता नहीं चला। फिर हाँ मैं सोचा कि, पहले थोड़ा ऐसा गुस्सा टाइप आया, फिर मैं बोला हाँ नहीं, जिंदगी में एक चीज मैं सीखा, आई माइंड माई ओन बिजनेस। अभी दूसरे लोग और किसी का माइंड लेके बिजनेस कर सकता है, बट आई माइंड माई ओन बिजनेस। ओह, शाउट आउट विद गुजराती। तो मुझे एक फूल दिख गया, ओह मैन, तो एक ऐसा लोटस रख के फिर मैं ऐसे देख के मेडिटेट कर रहा था। ऐसे मेरा 3 दिन गया। अरे बाय बाय। अब ये बताओ, ये स्टोरी करने में कितना टाइम गया? वो 3 दिन इसी में गया ना ये करने क्या में? ये करने में मेरा 20 मिनट गया होगा? आइडियाज, द इंसेप्शन, आइडियाज का ही वैल्यू रहता है, ये बाकी भाई क्या है। सूर्या ओपी, भाई सूर्या ओपी जो उसने ये पूरा किया है अभी, मजा आया भाई। मजा आया कि नहीं? हाँ इसके तो हाँ इस ये जो आपने जो मीनिंगलेस किया, और उसके बाद फिर इसके बाद एक गाड़ी भी डाल देते हैं, आपको समझता है वो मीनिंग क्या है उसका? फिर एक्चुअली एनीवे, शायद एक आप नहीं गाड़ी, समझोगे सागर भाई, सूर्या भाई, आप नहीं समझोगे सूर्या भाई। हाँ तो मैं वही समझने का कोशिश करता कर रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं वही फूल लगा के मैं मेडिटेट करता रहा, और ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरा डिस्क्रिप्शन देख ले, मैं बोल दिया इसके साथ, मतलब ये जो भी, अगर तुमको लग रहा है कुछ कनेक्शन है, इट्स नॉट इंटेंशनल, इट्स लाइक प्योरली कोइंसिडेंशियल, बढ़िया बढ़िया भाई, है ना। बिल्कुल तो हम लोग अभी थोड़ा चेस करेंगे, मैं तुम्हारा जरूर। गेम्स भी अभी देख रहा था। क्यों? नहीं, मैं देखा तुमने एक पीस मिल गया, तुमको कुछ पीस अप थे, फिर हाँ इमीडिएटली ब्लंडर हो गया, तो वो भी यस, हम गेम्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम अपने स्ट्रीम पे खेल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको नजर नहीं रख रहा हूँ तुम पे। बिल्कुल। तो सॉरी सॉरी फॉर प्लेइंग लाइक दैट नो यार, पता प्रॉब्लम, नहीं क्या हुआ यार वो, पर हाँ, बट नाउ आई प्ले फुल फोकस ना, एकदम एकदम। तो बिल्कुल। चलिए चेस करते हैं। ओहो और भाई, एकदम प्रो ही हो गए हो भाई आप। हाँ, और जस्ट फॉर माई ओन अम्यूजमेंट मैं लगा देता हूँ भाई, ये रहने देते हैं हम लोग, डन, आराम से शांति से करते हैं। बिल्कुल।
ये ब्लैक टू प्ले है. ओके ब्लैक टू प्ले है. लोटस. तो ये तो सिंपल है. बोलो वो है ना ये क्विंटेक्स एटो. मैं नहीं क्विंटेक्स एटो की बोलूँगा यार. फिर क्या बोलेगा सोच रहा हूँ. ये तो मेरे को टैक्टिक्स ढूंढ रहा हूँ. मैं टैक्टिक्स को मिलना है मेरे को बिशप जी फाइव लग रहा है. पर बिशप जी फाइव के बाद रुक आएगा. ओके ब्लैक टू प्ले एंड विन. क्वीन वहां जाएगी तो ये आ जाएगा. ठीक है चेक अगर हम देंगे. मैं सिर्फ ब्लैक टू प्ले बोला. मैं बिल्कुल नहीं बोला ब्लैक टू प्ले एंड विन या ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ. मैं कभी नहीं बोलता हूं. ओह अच्छा वेयर टू प्ले सिंपल मूव देन. ओके वैसा भी मैं नहीं बोला. क्या बोला है फिर आपने. ओके वी विल प्ले देन एफ सिक्स. ओके बट मैं नो क्वीन टेक्स ए टू तुमने क्यों रिजेक्ट किया. ओ क्वीन टेक्स ए टू है ना. फिर क्वीन टेक्स ए टू अगर रुक टेक्स तो मेट है भाई. आपने फिर ऐसा बोला कि क्या सोच रहा है क्वीन टेक्स ए टू तुम. तो अभी तुम सोच लो क्या क्या खेलने वाले हो. क्वीन टेक्स ए टू भाई पक्का डन. आपने ऐसा बोला ना कि क्या सोच रहा है क्वीन टेक्स ए टू तो मुझे हंस दिया मेरे को. फिर वो तो नहीं होगा. हां डन. और जनता भी बोल रही है क्वीन टेक्स ए टू क्वीन टेक्स ए टू. तो भाई ये हमारा पहला लेसन है. ये पता है कब मैंने लगाया ये वाला लेसन. तुम्हारा जब chess.com पे गेम देखा तब मुझे लगा था इससे शुरुआत करूंगा. ओके कि सबसे आसान चीज होता है अपना मूव देखना. यहाँ पे कोई भी मूव खेलो वो अच्छा है बुरा नहीं है सिवाय क्वीन टेक्स ए टू के. क्योंकि अपने को लगता है ये मेट है ना. हाँ बाय बाय बाय. बाय 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 बाय. ऑफ कर देते हैं. नहीं नहीं बाय. बहुत सही. मतलब आई हैव टू थिंक ऑफ हिज मूव आल्सो. या या एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम पे. सो आई कुड हैव प्लेड f6 राइट. यू कुड प्ले एनीथिंग. यू कुड प्ले एनीथिंग. सो ये थोड़ा मुझे पोपट हो गया क्योंकि तुमको पहले क्वीन टेक्स ए2 दिखा ही नहीं. मुझे लगा था क्वीन टेक्स ए2 फटाक से देखोगे और एकदम जोर से बोलोगे जोश के साथ फिर मैं बोलूंगा क्वीन डी1. मैं देखता था वो पर आपने जिस तरह क्या देख रहा था क्वीन टेक्स ए2 तो मैंने कहा कि फिर तो नहीं होगा वो. फिर मैं देखा ही नहीं. सो ठीक दिस वाज वन थिंग. ये पोजीशन है यहाँ पे वाइट टू प्ले. यहाँ पे कैट गैम्बिट जो तुमने आज ही इन्वेंट किया ना. हाँ भाई. ओके यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रुक टेक्स f7 खेलूँ तो वो क्वीन टेक्स g2 आएगा. फिर मेरे पास किंग के पास एक स्क्वायर बचेगा किंग h4. आफ्टर दैट ही कम रुक e4 चेक. आई विल कम रुक F4. Sorry, I forgot to do arrows. So you are saying you want to take here? Huh. Here. No. Here. With either rook. With either rook. Okay. With rook B7, I want to take. Okay. So okay, rook B7. Check. King moves. Rook check. And you want some sort of rook F4. Huh. Now if I go rook F4. It's possible. I'm still calculating. Yeah. Good. Calculation is good. Rook F4 takes. Queen takes. This looks fine. Okay, so this I have. क्या हो गया भाई? नहीं वो तुमने सिखाया था ना वो ऐसा लगाने का. अच्छा अच्छा. अमितांशु शेखर बोल रहे हैं great going. You got 500 subs yeah? Fine क्या हो गए? बोल तो रहा है. Congrats in advance. नहीं नहीं बोल रहा. Congrats in advance. समय for 500k subs. Thank you दोस्त. Okay, how about? Guys, समय का 500 है मेरा 1% तो बनता है ना? बिल्कुल भाई. आपका तो यार 50% बनता है यार अभी फिलहाल. एकदम एकदम. एक बार आप OBS Pro जाओ फिर आपका 1000% बनेगा भाई. तो ये जो गेम है White is Judith Polgar. ओके तो and she was very young
back like this is her game when she was like I don't know probably 14 or something. So she played king h4. Oh, she played king h4. तो ओपोनेंट को समझा नहीं क्या है लाइक किंग h4 तो चेक के बाद भी खेल सकता था. ओपोनेंट टू क्वीन टेक्स जी. व्हाट डू यू थिंक जूडिथ हैड इन माइंड? इफ यू गो रुक g3 द प्रॉब्लम इज क्वीन e4 चेक. ओके एंड 499K समय रहना. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. पीपल आर सेइंग Is there any tactic? Yes. Queen takes g6 check. Nahin. Queen or oh, check kaun kaun se? Queen h8 check. King takes. Nothing I have. Okay, king takes. Rook f7. But uske baad kuch nahi. Queen h7 check. King takes. Rook takes f7 check. King h6. Fir wahan mate. Okay, wait. Queen h7 check. King takes. Rook takes f7. Check. King h8. Okay, continue. Wait. Queen h7 check. King takes. Rook takes. King h8. Rook g7 check. King f8. Rook f7 check. Whoa. Calm down. King f8. Yeah. King f8 ke baad. How? So you are saying check, take, check. Check. Okay, king moves, check, king moves. King moves. Check. Now what? Check. King f8. King where? Oh, bishop hai wahan pe to. Yahi hai kya? So, Judith played queen g7 actually and then it's the same. Queen g7 khelo ya queen h7 khelo. Ah. But she was so cunning. Huh? Yahan pe pehle king h4 as if kuch nahi ho raha hai. If black would start with rook e4, then it's a draw. Par agar wo pichle move mein wo karti to? पिछले मूव पे क्यों नहीं कर पाई? बिकॉज देयर इज किंग h6 आई थिंक एंड देन किंग इज रनिंग. या गॉट इट. h4 चेक. या समहाउ द किंग इज रनिंग. सो दैट वाज द ट्रिक. अमेजिंग अमेजिंग. गेम को मैं डाला था. ठीक है ये करो. वाइट टू प्ले. प्रो गेमर इज सेइंग प्रो सैम गेमर इज सेइंग ब्रो आई सॉ सुमित सोरस प्रैक्टिस लाइव स्ट्रीम नाउ आई एम सीइंग योर्स एंड आई कैन रियली टेल दैट सुमित इज नोवेयर क्लोज टू डिफीटिंग समवन. ओके क्वीन टेक्स g7 चेक किंग टेक्स. Just thinking out loud. Yeah. Or maybe even queen h7 check, king takes. Queen h7, there is also knight h7. Yeah? Knight h7, okay. So let's go. Queen g7 check. Okay. Oh, why did you move it? I misclick. Okay. Queen g7 check, king takes. Knight e6 double. Knight e6 check. Knight pawn takes. Knight d5 check. King is very safe, so nothing like that. Okay. So can you come back? I can. But there is one thing I would like to say. Usually मैं बहुत सारा problems ऐसे solve करता हूँ थोड़ा ऐसा imagination पे. Like queen takes g7, king takes g7. अभी कौन सा भी knight एक imaginary हटा दो board से d4 या c3. And then see how many checks you have. ठीक. अगर मैंने c3 वाला हटा दिया तो मेरे पास नाइट e6 चेक है और मेरे पास नाइट f5 चेक है. एक बार दोनों देख लो. ओके नाइट e6 चेक पे तो पॉन मर रहा है. नहीं नाइट एक मैं नाइट हटा दिया ना मैंने. मेरा सी का नाइट नहीं है. हाँ, अगर मैं नाइट हटा दिया है तो फिर नाइट e6 डबल चेक है तो ही कांट टेक. So he take. has to move and then we have. So we are removing this knight, okay. And then. Oh, no. One sec. We will go. If the knight is removed, we will go knight f5 check, king g8, and then knight h6 mate.
सो दैट्स वेयर इमेजिनेशन कम्स राइट. तुमने क्वीन जी सेवन किंग जी सेवन देख के छोड़ दिया कि कुछ नहीं हो रहा है. सो दिस इज अ बिट ऑफ इमेजिनेशन बिट ऑफ कैलकुलेशन. देखो तुमको 2 मिनट में ओके मिल गया. सो नाउ यू फिगर आउट द आंसर. सो वॉट इज द सो आई बेस्ट वे. हैव टू मेक दैट नाइट वन नाइट डिसअपियर राइट. करेक्ट सो देखो चेक तो पहले देना ही पड़ेगा. करेक्ट लॉजिकल. तो क्वीन से हम चेक देंगे, क्वीन टेक्स किंग टेक्स. नाउ हाउ टू रिमूव दैट वन नाइट, वी विल गो, वी विल गो, इफ वी गो नाइट ई सिक्स चेक, देन पॉन वी टेक्स. बट नाइट तुमको कौन सा नाइट हटाना है, तुम कौन सा नाइट हटा रहे हो? हाँ हमको नाइट सी फोर सी थ्री हटाना है, पर नाइट डी फाइव पे वो जरूरी नहीं कि वो मारे, तो पर फिर उसका फिर क्वीन मर जाएगा, एग्जैक्ट फिर दैट्स वो इट. मारेगा एंड देन वी कंटिन्यू दैट. यस क्वीन कम टेक्स किंग टेक्स नाइट डी फाइव थ्रेटनिंग द क्वीन, सो पॉन हैज टू टेक. सो इफ पॉन टेक्स देन वी गो नाइट एफ फाइव चेक, किंग गोज बैक एंड वी गो नाइट एच सिक्स मेट. ऑसम ऑसम गुड. सो योर टैक्टिक्स इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट. ये क्या है कभी ये वाला प्रॉब्लम करो? नहीं पॉन इट्स ब्लैक टू मूव नहीं व्हाइट टू मूव. अपना पॉन जो है यहाँ पे क्वीन हो ऊपर रहा जा है. रहा है. हाँ ओके तो एक जस्ट स्टार्टर लाइक ऐसा हो गया तो ड्रॉप लॉन्ग रेंज पे आ ओके जाएगा. बिशप कुछ सो नहीं कर सकते. हियर इफ ए, ये शायद मैंने किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है. इफ वी गो बिशप ए सेवन, ओके सो आई मूव माय बिशप समवेयर. यू मूव बिशप समवेयर एंड वी गो, इफ यू पुश पॉन यू पुश पॉन. वेट वेट, आई हैव टू कैलकुलेट दिस. देन वी कम. हाँ ये मैंने किया, ये मैंने क्या किया, है ये मैंने ना? किया बहुत पहले किया. रुको रुको, हाँ ये बहुत देन वी फेमस गो है. किंग बी वन, ओके किंग बी वन बिशप कम्स टू सी थ्री ब्यूटीफुल. किंग सी टू बिशप कम्स टू ए वन बैक. एंड नाउ वी फाइनली गो बिशप. नो नो, कैन वी गो बिशप, या वी गो, नो वन सेक वन सेक, नो वी गो किंग डी थ्री. ई फोर आ जाएगा. कैन वी गो देन बिशप डी फोर, बट वी कांट, नो पॉन इज देयर. पॉन से मारा तो किंग डी थ्री. किंग डी थ्री. और यस अगर पॉन से ये नहीं मारा तो, अगर बिशप से मारा बिशप से मारा तो भी किंग डी थ्री. तो भी किंग डी थ्री एंड देन किंग कम्स डी फोर. या ये मैंने इट्स किया है, इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम. तो मैं ये मैंने तुमको आप ही के क्लास में किया था. नहीं नहीं मेरे क्लास में नहीं. मेरे क्लास भाई में क्या होगा मुझे याद रहेगा? आप ही से, भाई आप ही से तो किया था, नहीं. भूल गए, ऑफ स्ट्रीम आपने तो कराया था, ठीक है आप ही ने कराया था यार ये. ठीक है. तो ये भी किया होगा. दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस. हाँ ब्लैक टू मूव है ना, नहीं दिस इज व्हाइट टू मूव. व्हाइट टू मूव. ओके सो दिस पॉन इज क्वीनिंग. भाई, ये वो पोजीशन तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ. ना ना नहीं है ना वो वाली ना बात ना ना, अगर ना वो होगी तो मैं लू, आई विल गो टू द लू देन. नहीं ऐसा लूज क्वेश्चन मैं नहीं देता. ओके सो वी गो हियर व्हाइट टू मूव. इफ वी गो सी सेवन ओके okay. देन वो हियर. देखो इस पे से प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होने वाला. तो ओपोनेंट कुछ तो हाँ खेलेगा. करेक्ट रुक डी सिक्स चेक, किंग बी से बी सेवन. हाँ रुक की सर मार देगा किंग पॉन. बी एट. अरे तुझे जीतना है. अच्छा ड्रॉ नहीं करा ना, तो फिर किंग सी एट. मार दूंगा पॉन में. अच्छा आपको तो जीतना है ना. हाँ अच्छा, ठीक है भाई, अगर ये वो वाली पोजीशन निकली ना भाई. ओके सी हम लोग शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट विद सी सेवन, यू विल गिव चेक, वी विल कम किंग सी फाइव. तो किंग और अपना क्वीन जो बनेगा वो एक लाइन पे आ गया. हाँ ब्लैक क्या खेलेगा? ब्लैक क्या ही खेलेगा, ब्लैक खेलेगा रुक डी वन. और फिर गेम गया अपना. लाइक ड्रॉ हो जाएगा फिर से. ओके तो हम सी फाइल पे नहीं आ सकते. ओके या तो हम चाहेंगे, अपने को ये वाला स्क्वायर भी कंट्रोल करना है. किंग उधर नहीं आ सकते हम किंग. वो वाला स्क्वायर भी कंट्रोल करना है हमको. नहीं हम तो अगर आ गए, रुक सी सिक्स आएगा ना. देखो तुमने बोला इधर, तुम बोले अगर यहाँ पे नहीं जा अगर हम आ गए सकते. किंग बी फाइव, फिर करेक्ट. सो दैट्स द ओनली स्क्वायर लेफ्ट. वो खेलेगा रुक.
D5 चेक पर मेरे को क्यों लग रहा है ये वो ही। नहीं नहीं ओके फिर हम खेलेंगे किंग B4। ओके पूरा कैलकुलेट करो अभी विदाउट एरो। किंग B4 खेलेंगे हम ठीक है। वो अगर खेलेगा रुक D4 चेक तो हम खेलेंगे किंग B3। ओके अगर वो खेलेगा किंग D3 चेक नाउ इज वेन विल गो किंग C2। करेक्ट नो बट विल वी हाँ वह तक तो ठीक है मतलब तुम्हारा तुमने पॉन पुश किया वो चेक देता रहा तुम यहां तक आए उसने ये चेक दिया तुमने किंग को यहां पर लाया ना हाँ, अब वो जाएगा रुक D8। तुम्हारा पॉन तो है यहाँ पर रुक D8 जाएगा ना लेकिन वो मार दोगे ना अच्छा हमारा पॉन वहां पे हाँ फिर क्या करेगा वो यहाँ पर फिर जाएगा वहां जाएगा वो फिर अब हम क्या करेंगे अब हम आएंगे वापस वापस मतलब वन सेकेंड ऊपर नहीं आ सकते ऊपर आएंगे तो वो चेक देके ले लेगा हम नहीं चेक नहीं आएंगे देगा वो पीछे आ जाएगा फिर से हम आएंगे दीवार वही ना वापस किंग B3 तो क्वीन क्यों नहीं कर रहा है सबसे पहले क्वीन करेंगे तो रुक बीच में आके चेक देके दोनों ले लेगा। मारेगा तो तुम भी मार सकते हो अच्छा हम भी तो मार सकते हैं क्वीन सीधा भी जा क्वीन पीछे भी ऐसे सीधा ऐसे जा सकते हैं हाँ तो मैं क्वीन करूंगा और चेक दे दिया तो चेक दे तो क्वीन से लूंगा और स्टेलमेट हो जाऊंगा। क्वीन नहीं कर सकते फिर आप मेरे कंफ्यूज कर रहे हो यार ठीक है ओके तो हाँ तो हम जाएंगे किंग B3। तो फिर से चेक देगा फिर से सेम पोजीशन आ गया किंग तो B3 पर ही था चलो ये उसका बोर्ड पे है डालता हाँ हूँ आप थोड़ा मतलब मेरे से वो इमेजिनेशन नहीं हो रही ओके अब मैं करता हूँ मैच अब मैं खेलूंगा किंग C3 बचा ना फिर तो फिर रुक D1 किंग C2 रुक D4 यहाँ सोचेंगे हाँ तो किंग का दो मूव तो हो गया किंग B3 पे भी रिपीटेशन हो रहा है किंग C3 का भी हो गया क्वीन भी किंग हो गया C1 किंग C1 पे चेक देके चला जाएगा तो प्रोमोट ही करना होगा हाँ मैं क्या कर रहा हूँ यार प्रमोट करके उसको बना दो ना रुक तो अभी ये मेट का थ्रेट आ गया और अब यहां से तो जीत गए ना हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट मूव कर लें ब्यूटीफुल किंग B3 गुड ओह गुड दिस वाज इजी या दिस वाज मतलब मजा आया इसमें मतलब हाँ मेरा माइंड थोड़ा खुल गया टू द कॉन्सेप्ट की भाई अंडर प्रमोशन में तो है तो अभी जो अभी मैं तुमको थोड़ा बोर करने वाला हूँ क्योंकि मैं लुसना से करोगे नहीं लुसाना से नहीं करूंगा पर हाँ तुम तो ऐसा टैक्टिक्स वगैरह देख लेते हो ऑल दोस थिंग्स देखते हो पर जो तुम्हारा गेम पे हर बार होता है तुम ओपोनेंट का मूव नहीं देखते हो आधे टाइम ओपोनेंट का मूव मिस हो जाता है सो आई विल या शो यू अ गेम ऑल्सो टू ऑडियंस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम ये कारपोव का एक गेम है विल सी दैट भाई बहुत लोग कह रहे हैं व्हाई नॉट क्वीन उनको हम बता दें क्वीन एब्सोल्युटली करने पे क्या हो रहा है कि वो बीच में चेक देगा क्वीन करोगे वो बीच में चेक देगा और हमें क्वीन से लेना ही पड़ेगा और फिर स्टेलमेट हो जाएगा और ड्रॉ हो जाएगा मुझे इससे एक स्टोरी याद आ गया प्रवीण थिप्से जी का तो थिप्से जी जो है लाइक वेटरन ग्रैंड मास्टर बहुत अच्छा अच्छे इंसान है तो वो एक बार हमको बोल रहे थे कि पहले के जमाने में ऐसा एडजोनमेंट हुआ करता था पता है लाइक आफ्टर 40 मोव्स यू नो यू कैन एडजोन द पोजीशन एंड द नेक्स्ट डे लाइक गेम होता था सो थिप्से जी गए कहीं पे कोई कॉलेज पे और टूर्नामेंट चल रहा है तो कोई कोई सम प्लेयर केम टू हिम एंड सेड सर आई हैव एन एडजोन पोजीशन इफ यू कैन हेल्प तो बोलते हाँ हाँ बोलो बोलो क्या है तो बोले भाई जो है किंग 2 रुक्स वर्सेस किंग एंड 1 रुक तो इसमें क्या है एक दो रुक सिंपल है हाँ एक रुक दे के एक रुक से एक्सचेंज कर दो और किंग रुक से मेट करना तुमको आता है ना बोला हाँ सर वो तो आता है बोले तो एक रुक चेंज कर दो और दूसरे रुक से मेट कर दो बोला सर प्रॉब्लम वो नहीं है प्रॉब्लम मेरे पास एक रुक है बंदे के पास 2 रुक है थिप से भाई बोलता है बढ़िया है भाई जो थिप से बोलता है यहाँ खत्म नहीं होता थिप से बोलता है कि
ठीक है तो एक काम कर, रुक को ना चेक दे के, मुझे एक्चुअली ये पोजीशन से याद आया, बोलता है रुक को ना तो तू ऐसा चेक दे के साइड से यार ऐसा चेक दे के मार दे, एक रुक मार दे फिर दूसरा रुक भी मार दे और फिर मेट कर दे। तो ठीक है बाद में मिलता है, बोलता सर जीत गया। मैं जीत गया कैसे जीत गया? नहीं सर एक रुक को पीछे से चेक देख के मार दिया और एक को बीच में चेक दे के मार दिया। तो बीच में चेक मतलब ऐसा चेक दिया समझा हटा मैं मत। के रूप से मगा। ऑलराइट सिंस यू हैव गॉट 500K, कांग्रेचुलेशंस। व्हाट सच देख लेते हैं, देख लेते हैं कहीं पे, मैं कह रहे हो देख लेता हूँ भाई? चैट ऐसे मजाक कर रही होती है। एक बार चेक कर लूँ ना। ओ भाई 500 के हो हाँ गए हो गया भाई, हो गया। बाय 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 500 के हो गए भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइब टू इट। भाई सूर्या भाई ये मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, मजा आ गया यार। मुझे भी मजा आ गया। मेरा 50,000 कर दो दोस्तों। भाई सूर्या भाई का 50,000 कर दें, दैट्स इनसेन। वाओ अमेजिंग अमेजिंग 500K, फैंटास्टिक। डैम। तो व्हाट्सएप पे मुझे, मैंने एड्रेस भेजा ना तुमको, हाँ हाँ भाई आपको जो चाहिए दे देंगे यार हम। हाँ आलू दम के साथ बिरयानी भी मिलना बिल्कुल चाहिए। जरूर जरूर। थैंक यू ऑसम चैट, थैंक ऑसम, यू सो मच। थैंक्स थैंक्स गाइस। सो मेनी थिंग्स आर नाउ कमिंग योर वे, मर्च एंड अ वेरी स्पेशल वीडियो। मैं अभी बोल देता हूँ उसको बना, वो करने के लिए। कोई मुझे बोल रहा है अगर तुम COB3 जीतोगे तो मैं टी शर्ट खोल के नाचूंगा क्या? कौन जस्ट आप? इमेजिन द सीन। वो शायद सौरव गांगुली ने किया था ना। हाँ, लॉर्ड्स इसलिए में। आप करोगे तो बोलो भाई, आप करोगे तो मैं करूंगा, आप बताओ भाई। सूर्या भाई मैं स्ट्रिप्टीज नहीं कर रहा हूँ ऑन स्ट्रीम। ऑन स्ट्रीम। गॉट इट भाई, गॉट इट। शौक बड़ी चीज है। ऑलराइट, लेट्स सी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। दिख रहा है तुमको बोर्ड? एक सेकेंड। मुझे ना, हाँ दिख रहा है। मैं इधर से दिखा तो मुझे चैट दिखता नहीं है, सो आई हैव द मोबाइल ऑन। ऑलराइट ओके, सो नॉर्मल सिसिलियन है, सिसिलियन स्केविन इंजन बोलते हैं इसको, सिसिलियन। स्केविन अच्छा स्केविन इंजन ठीक बोलते है। हैं। तो गेम जो है इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी गेम। गेम यहां से चालू होता है, मेरा बहुत ही पसंदीदा गेम है कार्पोव का। लाइक इफ आई हैव टू पिक वन गेम ऑफ कार्पोव, आई विल ऑलवेज पिक दिस वन। तो ओके कार्पोव का जो प्लेइंग स्टाइल था, इट वाज ऑलवेज अबाउट सटलिटीज। वो हमेशा सोचता था मेरा ओपोनेंट क्या करेगा, लाइक तुम्हारा पूरा उल्टा, विद वो ऑल सोचता विद था बस बेसिकली, हाँ और मैं नहीं सोचता नहीं हूँ। नहीं तुम सोचो मैं तुम क्या करोगे विद गॉट ऑल। इट। सो कार्पोव गेम्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू, लाइक सो दैट्स व्हाई आई चोज टुडे दिस गेम। सो ब्लैक प्लेड बिशप d7। नाउ ब्लैक वांट्स टू टेक दिस नाइट, एलिमिनेट द सेंट्रल नाइट एंड पुट द बिशप हियर, दैट्स ब्लैक्स आइडिया। तो ये सोच के कार्पोव बोला ठीक है नाइट पीछे, लाइक तुम्हारा ये बिशप रहने दो इधर। स्पैस्की जो है वो, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सेमीफाइनल था, इसका जो विनर होगा वो खेलेगा फिशर के साथ। एट दैट टाइम फिशर वाज एग्जिस्टिंग वर्ल्ड करंट वर्ल्ड चैंपियन। तो कार्पोव वॉन दिस मैच एंड फिशर कार्पोव कभी हुआ नहीं, देन कार्पोव बिकम वर्ल्ड चैंपियन बाय डिफॉल्ट। तो ओके ही इज थ्रेटनिंग a4, तो कार्पोव बोला उसको भी रोक लेते हैं। स्पैस्की यहां पे आया, दिस नाइट इज डूइंग अ गुड जॉब काइंड ऑफ, यू नो इसने ये खेला, ये अच्छा ऐसे डेवलपमेंट। जस्ट नॉर्मल डेवलपमेंट, यू नो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इसको मेरा बिशप। वो खेला बिशप c6। तो कार्पोव का एक और चीज है, उसका माइंड जो है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। लाइक 2 मूव पहले वो नाइट पीछे गया था यहाँ पर अभी जो है सिचुएशन बदल गया, ओके सो ही कम्स बैक बिकॉज नाउ ही सेज अगेन माई नाइट इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यू नो योर नाइट कैन नॉट चैलेंज एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बॉदर, लाइक मे बी आई कैन टेक सम डे। ओपोनेंट एक अजीब मूव खेला g6, ओके बोल सकते हो इसका आइडिया क्या है? कोई g6 ऐसा मूव क्यों खेलेगा? थोड़ा डिफिकल्ट है ये। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। या श्योर। ओ बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू कार। ओ थैंक यू यार। व्हाट कुड बी द आइडिया ऑफ दिस? लेट मी थिंक। मैं एक बार चेक कर लिया था, मतलब मैं देखा तुमने लाल गाड़ी खरीदा तो मैं देख लिया कि ऐसा बैलगाड़ी तो नहीं, पर देखा नहीं अच्छा सच में, इट्स अ गुड कार।
द आइडिया कुड नहीं, आई जेन्युइनली डोंट नो, मे बी किंग सेफ्टी किंग जी Yeah, सेवन now this is difficult. Black wants to play e5. So he controlled this square. ओके तो कारपोव का सोचने का जो ढंग है, इट्स अ वेरी यूनिक. सो लेट मी आई विल पुट अ पास मूव हियर. सो बेसिकली आई एम सेइंग आफ्टर g6, सो ही थिंक्स इन दिस वे. अभी अगला चाल भी ब्लैक का होगा तो क्या होगा? सो ब्लैक विल प्ले e5. देन आई वॉन्ट टू टेक हियर, यू विल टेक, आई वॉन्ट टू टेक हियर, यू विल टेक. सो कार्पोव का जो थिंकिंग पैटर्न है वो ये पोजिशन पे आ जाता है बिना मूव किए. ठीक है, लाइक यू नो ब्लैक वॉन्ट्स टू प्ले दिस, देन आई टेक टेक, एंड नाउ ही सीज ओके दिस पॉन इज अंडर काइंड ऑफ अटैक. ये क्वीन चेंज होगा तो मेरा इधर प्रॉब्लम है. तो तो उसको क्वीन लगा की टू हाँ, तो एक तो मैं क्वीन ई टू पहले मूव पे खेल सकता हूँ, और मुझे क्वीन यहाँ पे जाके यहाँ डालना है, और अगर मुझे ये स्क्वायर पे डालना है तो ये जो मेरा पॉन है दैट इज वीक, सो आई नीड माई रूक हियर. ओके सो यू सी लाइक इट्स वेरी डीप, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रेट द थिंकिंग पैटर्न. गॉट इट। पर वो ई5 का मूव ही मुझे नहीं समझता कि कोई ई5 क्यों खेलेगा वहां पे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. e5 ही वांट्स टू प्ले बिकॉज ही वांट्स टू काइंड ऑफ टेक हियर, बट है इफ ही ना? टेक्स टेक्स जैसे जैसे लेको e5 खेला तो मगर नाइट हट भी गए. या इट्स बेसिकली ही विल नॉट इवन टेक, इट्स बेसिकली तुम्हारा नाइट को, वो जो मेन जो नाइट था उसको पीछे डाल दिया. वही दैट्स है द ना, तो एट माय लेवल आई कांट थिंक ऑफ ऑल दिस। ट्रू 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 ट्रू. आई टोटली गेट इट, आई टोटली गेट इट. सो e5 खेला एंड नाउ ही प्लेस क्वीन f1. सो ही वांट्स टू कम हियर, सॉरी ही वांट्स टू कम हियर. ओपोनेंट खेला ही है तो इमीडिएटली उसको लगता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग यू मच क्वेश्चन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रेट द थिंकिंग पैटर्न. कि ओपोनेंट बोलते हैं अभी नेक्स्ट मूव तुम अगर क्वीन लाओगे, मैं तो मैं नाइट को यहाँ नाइट पे लेके दाऊंगा लो और मेरा क्वीन, कॉल। हाँ मेरा क्वीन जो है ये एक्टिव हो जाएगा. H3 एग्जैक्टली h3. नाउ ओपोनेंट इज सेइंग तुम्हारा ये बिशप को मैं ऐसे चेंज कर दूंगा. सो कार्पोव कुड प्ले दिस, बट कार्पोव बोला कि बिशप मैं, G4 हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरा उधर जो मेन प्रॉब्लम था क्वीन एक्टिव हो रहा था, पर अभी मैं नाइट मार सकता हूँ, जाके मार दिया और अभी क्वीन ला ला दिया. अब कोई एक्टिव भी नहीं हो सकती। अभी हाँ ना, उसका क्वीन एक्टिव नहीं हो सकता, अब हमारा क्वीन एक्टिव है, हमारा पॉन भी प्रोटेक्टेड है एंड ही हैज लॉट्स ऑफ वीकनेस. ओपोनेंट खेला ये रुक डी, खेला बिशप c5. कार्पोव बोला बिशप C5 बिशप c5 क्यों नहीं खेला? हाँ क्वीन g5 है इधर अटैक है, ओके बोला दूसरा रुक भी लाता हूँ. ओपोनेंट खेला रुक f d8. नाउ दिस मूव इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी फाइन मूव बाई कार्पो, वेरी फेमस. अगेन मैं ओके थोड़ा हेल्प करता हूँ पहले सोचने के लिए, लाइक आई हेल्प यू टू फाइंड दिस मूव ऑल्सो. सो एक है कि वॉट आर द एक्टिव पीसेस फॉर ब्लैक, वी कैन से दिस इज एन एक्टिव पीस बिशप बिकॉज यहाँ पे नाइट एंड देखो क्वीन, नो बिशप एंड नाइट बिशप एंड नाइट डेफिनेटली, क्वीन इज ओके, आई कैन बेयर विद दैट. रुक रुक लेट्स से नालीफाइज, हमारा भी रुक एक्टिव है, ठीक। बिशप हमारे भी अच्छा है, लाइक अच्छे जगह पे बैठा है. सो दिस नाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ वी लुक एट आवर नाइट, इट्स अ फॉर्मेशन जहां पे यू नो लाइक दिस पॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर आवर नाइट बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द की स्क्वायर्स. सो हमारा नाइट कुछ कर नहीं रहा है. सो आइडियली वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर नाइट, वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी गेट रीड ऑफ दिस, वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी गेट रीड ऑफ दिस, एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर दिस पॉन इज सेफ. कार्पोव डिड एवरीथिंग इन वन मूव. नाइट A2 नाइट a2 इज वन इंटरेस्टिंग आइडिया, उस पर तुम ये वाला नाइट का इश्यू सॉल्व कर सकते हो. वेयर एल्स यू कैन पुट द नाइट, नाइट E2 e2 के बाद भी सेम प्रॉब्लम होता है. जो प्रॉब्लम तुमको यहाँ पर होगा वो प्रॉब्लम तुमको यहाँ पर भी होगा. हाँ, वो दोनों वो पॉन वो D4 और F4 को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर पीछे आएगा तो वही हो जाएगी बात। नाइट आई एम थिंकिंग बिटवीन D1 एंड A, वही बचा है मतलब। अब तो हाँ सो लाइक देर इज नो प्रिजुडिस इन कार्पोव्स माइंड, ही इज श्योर नाइट बी वन ही इज एब्सोल्युट श्योर बिकॉज ही इज सीइंग एक तो मैं इसको धक्का मारूंगा, दूसरा इधर आके इसको धक्का मारूंगा.
सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी जो नाइट इतना अच्छा दिख रहा था, नेक्स्ट मूव पे उसको एकदम कोने में जाना होगा। सो दीज आर द मूव्स विच इज लाइक दिमाग पे आता नहीं है फटाक से, राइट? इट्स या इट्स लाइक वेरी सटल एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेस ऑल टुगेदर। या आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम ऐसा हम लोग जाके अभी इमीडिएटली ऐसा खेलेंगे टाइप, ऑब्वियसली, बट इट्स गुड टू नो दैट सच काइंड ऑफ चेस आल्सो एग्जिस्ट एंड ही इज प्लेइंग विद वॉल नंबर 2 विदेश गुजराती अब स्पेस्किनो स्पेस्की या क्वीन B7 खेला। नाउ अगेन द फ्लेक्सिबल माइंड, सो द मोमेंट ही प्लेड क्वीन B7 कारपोव का देखो, ही कैन प्ले C3 इफ ही वांट्स, ही कैन गेट रीड ऑफ द रूक एंड प्ले नाइट हियर, और उसको लगा और एक इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ये जो बिशप है इसके पास स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे भी नहीं जा सकता, राइट? या सो वहाँ भी क्यों नहीं जा सकता, बिशप E7 पे क्वीन टेक्स। हाँ ओके, सो दैट मींस अगर मैं G3 खेल सकूँ दिस बिशप डजंट हैव अ स्क्वायर। ओ रुक F3 इन अ स्लाइटली बेटर वे, वेरी attentive to detail. अभी इसका threat आ गया suddenly. हाँ, पर ये मतलब ये सब चीजें blitz chess में नहीं हो पाएगी ना। कारपो के लिए हो जाएगा, like तो होगा ही। At highest level हो जाएगा। Yeah. But yeah, it's very subtle. But it's about the thinking pattern. That's what I want to show. Like, got it. He's outplaying world number 2 in a like कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा 10 move सोच रहे, you know? It's the way he is approaching the position is very different. Did he play G3? नहीं, अभी G3 नहीं खेला क्योंकि अभी बिशप बिशप F6 आएगा, तो उसको हटा दिया, ये गया। अभी उसके पास दो ऑप्शन था, या तो मार के जाएगा या फिर डबल अप करेगा, या डबल नहीं कर सकता बिशप अटैक पे, या फिर हटा के जाएगा। तो कारपोव का जो लॉजिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम पहले बोलो मार के जाओगे या हटा के जाओगे। मार के जा सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन, मैं तो होता तो मैं मार देता, मार देता ना। तुम मारने का कुछ एक लॉजिक बोलो, क्यों मारोगे? एक पीस कम हो जाता ना, एक पीस कम, फेयर एनफ, तो ब्लंडर होने के चांसेस कम है। करेक्ट, उसका लॉजिक ये है कि मेरे रुक के पास ये तो नाइट आ ही जाएगा, ये बिशप हट जाएगा, फिर मेरे रुक के पास चार अच्छे स्क्वायर है और इसके रुक के पास एक ही अच्छा स्क्वायर है, सो आई कैन डबल ऑन F5, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, तो मेरा रुक ज्यादा अच्छा है तो उसको बचा के रखता हूँ। ओके, फिर नाइट लेके आ गया। ओके, अब क्यों नहीं किया उसने डेवलप? क्योंकि अभी उसने देखा कि इसका बिशप यहाँ पर है, रुक यहाँ पर है, उसने यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया, तो अभी जो है पहले ये पॉन को अटैक करता हूँ मैं, यहाँ पे अटैक किया, अभी बिशप यहाँ पर आएगा तो मेरा नाइट यहाँ पर आ रहा है, फोर्सिंग F6, सो एवरीथिंग एवरी टाइम इज माइंड इज वेरी फ्लेक्सिबल। अभी उसका काम हो गया, तो जब वो ये सोचकर आया था यहाँ पर कि मैं रुक को F5 पे लाऊंगा, उसके बाद 3 मूव हो चुका, लाइफ मूव्ड ऑन, सो नाउ अगेन वी हैव टू गिव अ फ्रेश लुक इन द पोजीशन, सो इट्स द सेम थिंग, दिस वाज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड देयर इज नो कनेक्शन, सो इन द प्रेजेंट वी कैनॉट होल्ड ऑन टू द थिंग कि हम लोग F5 पे डबल करना चाहते थे। तुम एक बार कंप्लीटली नया पोजीशन है, ये कंप्लीटली नया पोजीशन है, तो यहाँ पे कौन सा वीक, कौन सा फाइल पे जाओगे, F पे जाओगे, D पे जाओगे, इफ यू लुक इट एट यू नो, इफ यू गिव इट अ फ्रेश लुक। $500K OP चल रहा है, थैंक यू गाइस, दिस इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक गाइस, आज रात को मजा आएगा भाई, स्ट्रीम में पार्टी करेंगे। तो तेरा और एक भी स्ट्रीम है आज? अरे मेरा जिंदगी ही स्ट्रीमिंग है, मजा आ रहा है मेरे को करने में। आज कितना, दिस इज योर व्हाट, द फोर्थ स्ट्रीम और व्हाट? Yeah, this is my third stream. Okay, यहाँ पे मेरा नाइट को मैं अगर इम्प्रूव कर सकता तो मैं करता, बिकॉज नाइट कुछ ढंग का ज्यादा कर नहीं रहा है। रुक्स, व्हाट अबाउट योर रुक्स? रुक्स फिर अपने आप रुक का फाइल खुल जाता ना। हाँ, पर उसने देखा कि अभी ये बिशप यहाँ पर है, तो इट टेक्स टाइम for black to you know get to this file, so he immediately switches plan. Now he wants to come for d5,
सो ही इज नॉट इवन कैलकुलेटिंग मेनी मूव्स. वो देख रहा है कि अभी मेरा क्वीन यहाँ पर आ रहा है, रुक यहाँ पर आ रहा है, यू नो पोजीशन हैज चेंज्ड, आई डोंट वांट टू अटैक ऑन दिस थिंग्स नाउ, आई वांट टू रीच दिस गाय हियर. Yeah, it's a lot like in improv comedy when so many the group does that. So one person comes with an idea, but sometimes जैसे मेरे दिमाग में एक idea रहता है, पर उस scene में कुछ और idea रहता है, तो I have to agree to it and then drop my idea and then take this idea and then go ahead with it. True, true. अच्छा तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम कुछ शो पे जा रहे हो, तुम्हारा कुछ प्लान है ये बोलोगे, एंड देन यू गो देयर एंड यू सी एग्जैक्टली वो टॉपिक पे किसी ने तुम्हारे पहले ही बोल दिया जो तुम प्रिपेयर करके गए हो? नहीं अभी अभी तक अभी नहीं तक नहीं हुआ, बट इट इज पॉसिबल, राइट? इट्स पॉसिबल, बट एग्जैक्टली वो सेम चीज तो इट्स वेरी बट यू यू मस्ट बी इंप्रोवाइजिंग एट द स्टेज आल्सो, राइट? अ लॉट, लिटिल बिट, नॉट अ लॉट. यूजुअली व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन माइक्स यू हैव ओनली 5 6 मिनट्स, नो, सो यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम बाय 5 6 मिनट ही मिलता है. हां हां, ओपन माइक तो तुम कोई भी हो, तुम कितना भी मिलियन सब्सक्राइबर हो, तुम्हारा तुम्हारा ओपन माइक में अगर 6 मिनट है तो 6 मिनट है भाई, उस पे जो कब बोलना है बोलना है, जो बोलना है बोलना है, लाइट मिलेगी उतरो भाई, दैट्स द बेस्ट पार्ट एक्चुअली. ट्रू. सो या ही केम बैक एंड नाउ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. सो अभी ब्लैक के पास बहुत सारा वीकनेस हो गया, एक ये है, एक यहाँ पर है, ये किंग वीक है, सो पीसेस आर डूइंग ओवरलोड, पीसेस आर लाइक ओवरलोडेड. जैसे तुम अभी ये मारोगे, देन 19 to e5 इज हैपनिंग. गॉट इट. So he took with the bishop, and then once you take with the bishop, then this square is weak. Rook aaya. Rook aa raha hai. So knight se block karna hoga. Abhi finally bishop aaya. Sab kuch bahut harmoniously aaya bhai. Ekdam na. Resigns. So the reason I this is one of my favorite game of Karpov because like usne kuch kiya hi nahi, aisa laga game pe, you know, like. सब छोटा छोटा करके चले गए. या बट इट वाज वेरी सटल, आई मीन इट वाज वेरी वेरी सटल. या या क्या करोगे, सर्वाइवल करोगे? तुम्हारा आज जो तुमने गेम खेला वो देखोगे? गेम खेल सकते हैं एक नया, तो यू कैन देन गाइड मी लाइक दैट. श्योर. कि व्हाट एम आई डूइंग मिस्टेक. श्योर श्योर. और एक हमारा प्रॉब्लम हो गया. क्या हो गया? प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि ये जो सर्वाइवल था वो 1 week था, तो आपके मेहरबानी से वो 50 आप नॉट आउट होके चले गए. बट यू हैव टाइम, वी कैन डू इट. नो नो, बट यू आर 50 नॉट आउट. या वो तो वो खत्म हो गया. सो मैंने जब आज खोला तो मैंने देखा नया चालू हो गया. अच्छा अच्छा, बिकॉज़ इट एक्सपायर्ड. सो तुम्हारा तो एक काम करते हैं, अगर आपके पास टाइम है मैं एक फटाफट एक गेम खेलता हूं. हां करूंगा, मेरे पास है. एंड उसके बाद इफ यू हैव टाइम देन वी कैन डू वन पजल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, पजल सर्वाइवल. एब्सोल्युटली. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉलो यू, राइट? या Alright. Someone says, sir, 1959 candidate tournament का एक game है, Gligoric versus Maislov. Can you please analyze that game? It's a very beautiful game. Of course, I know that game. I will definitely analyze that game. I'll do a solo stream and then I'll analyze that. Okay. Are you following me? Wait a second. इसका ना एक बार मैं off कर देता हूँ. Once I get there, then I'll चैट में जाके आपको लिखना होता है स्लैश फॉलो स्पेस समय रहना. स्लैश फॉलो समय रहना. कैट गैम्बिट सुना आपने? कैट गैम्बिट देखा भी, लाइव देखा मैं. खेलो मैच, शुरू कर दो मैच. हाँ पर गेम तो चल, मतलब आई एम फॉलोइंग समय रहना, बट नथिंग हैज स्टार्टेड येट. सो नाउ इट विल स्टार्ट. डिड इट स्टार्ट? नहीं हुआ स्टार्ट अभी तक. नहीं नहीं हुआ अभी तक. आपने नहीं फॉलो किया? फॉलो नहीं किया. नहीं, स्लैश फॉलो स्पेस. हाँ चालू हो गया. चालू हो गया ना? चलो मैं जा रहा हूँ ऑफ. हाँ दोस्तों, बार रखूँ कि ना रखूँ? बार चाहिए अपने को कि सिर्फ कमेंट्री चाहिए? बार छोड़ दो यार, बार लेके क्या क्या देखना है? बार लेके मैं हूं ना, बोलता हूँ. ऑल राइट, क्या चल रहा है? समय वाइट है. क्वींस गैम्बिट,
क्वींस गैम्बिट देख देख के बंदा क्वींस गैम्बिट खेल सीखने भी लग गया, खेलने भी लग गया। ये मैं दोनों साइड से खेलता हूँ, व्हाइट से भी खेलता हूँ, ब्लैक से भी खेलता हूँ। तो इसका तो मेरा स्ट्रीम पे 1400 हो जाएगा अभी। बहुत ही अच्छा पोजिशन है फिलहाल यार। नहीं बार छोड़ो ना, बोल दूंगा ना मैं, क्या होगा बार देखा। वैसे भी इंजन गलत बोलता रहता है, वीक इंजन है, डजेंट मैटर। तो अभी जो है ये नाइट अटैक है और व्हाइट के पास सेंटर है, ये चेक दिया अभी। सो हियर बिशप d2 इज गुड, नाइट c3 इज गुड, प्रीटी मच एवरीथिंग इज गुड। क्योंकि ये जब नाइट हटेगा, एक तो ये या तो ये मरेगा या तो ये मरेगा। सो बोथ मूव्स आर फाइन। बार इज स्टिल विजिबल गाइस, यू वांट द बार? क्या हार्ट बीट बढ़ेगा तुम लोगों का, कुछ क्या फर्क पड़ता है? ठीक है चलो एंजॉय एंजॉय गाइस। सूर्या रुफेलो मेमो सेज सूर्या सर बिग फैन आल्सो, इज 68 अ प्रीपोजिशन? व्हाट डज दैट मीन? चलो देखते हैं क्या चल रहा है। काफी मूव्स हो गए इधर। इसकी पोजीशन तो सही है ना? हाँ ओके, ही जस्ट वन अ पीस। आई एक्चुअली मिस्ड हाउ ही वन अ पीस, दैट वाज वेरी फास्ट। ओपोनेंट ऐसे ही पीस दे दिया। आज पता चलेगा कि समय जो है उसका इमोशन लेवल सही रख रहा है कि नहीं। मार दिया h4 खेला, ये मुझे समझा नहीं h4 क्यों खेला। रुक ये देखो, बेकार में एक ये जो मूव है कितना इंपल्सिव मूव है, शायद वो मेट करना चाहता है या कुछ। चेंज कर देना एक रुक, आराम से जीत। ये फालतू में आ गया, ठीक है इस पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी चेंज कर सकता है। हाँ ये पहले मूव पे खेलता तो रुक यहाँ पे आता ही नहीं था। ओके 68 इज अ प्रीपोजिशन, ओके ओके आई गेट इट। हु वाज दैट? दैट वाज हॉरिबल। ओके गुड ह्यूमर। सो या समय प्लेड रुक सी वन इन ऑर्डर टू स्टॉप रुक सी टू। नाउ मे बी जस्ट किंग टू e3, गेट रिड ऑफ दिस रुक। नाउ रुक को 7 से हटाओ और बिशप को यहाँ पे ला दो। बोर्ड ऑन द राइट साइड यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल? आई डोंट नो गाइस, आई फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। आई डोंट फील अनकंफर्टेबल इन ईदर वे। बोर्ड नहीं भी रहेगा तो भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। बिशप b3, इट टू टेक ट्रिमेंडस एफर्ट नॉट टू विन दिस गेम। आई वुड प्ले रुक c2, मूव कम हियर, दिस इज आवर की स्क्वायर। वंस द रुक गोज हियर इट्स ओवर। That's what I will do as white. So I can also, you know, start with rook d1. ये देख, इसको हर एक पोजिशन पे क्यों ऐसा, ये क्यों खेलना चाहता है पता नहीं। इधर जाओ ना, इधर जाओ, इसको मार दो। Just go for this pawn. Ah, not bad. This is still okay. Come on, sir, come here. नहीं, उसको ये पॉन मारना है, अभी ये पॉन मारेगा। पर देखो बेकार में ये फालतू में किंग एक्टिवेशन दे दिया। अगर हम लोग दो मूव पीछे जाए, ये वाला पॉन उसको फ्री का मिल रहा था, लाइक ही कुड कम हियर एंड टेक दिस गाय। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही डिसाइडेड टू चेंज एवरीथिंग एंड अगेन ही इज चेंजिंग एवरीथिंग। वे स्टिल स्टिल विनिंग। सो ओके ब्लैक विल ऑब्वियसली टेक, should also win. I mean, come here and take this pawn, or come here and attack this guy. This, yeah, black will probably try to defend. Yeah, why should I ask Samay about cat gambit? मैंने तो देखा उसका cat gambit देखा।
king d3 and take this. ये देखो, these are small things, right? जब वो जीतने लगता है तब वो एकदम हड़बड़ी कर देता है. It's not that rook e5 is not winning, but why wouldn't I defend this pawn? Give me one reason not to do it. ठीक है, आगे जाओ. Now move the rook and queen the pawn. Move the rook somewhere here and just queen the pawn. Okay, take this pawn. He will take this pawn now. Rook g5 check. क्यों नहीं मारा ये pawn? I don't know. But okay, I think he will push. बट अभी देखो ऑलरेडी एक ट्रिक आ गया, पता नहीं देखेगा कि नहीं. देख लिया, गुड. ओके, मूव द किंग. सो द थिंग इज राइट, इफ यू लुक एट द बार इट इज स्टिल +8 +5, बट द मिस्टेक्स विच इज मेकिंग वो नहीं आना ही नहीं चाहिए. लाइक गेम पे इतना चांस ही मत दो. एवरीथिंग इज विनिंग, ये पोजीशन पे मिस करना भी बहुत डिफिकल्ट है, पर इतना दूर इतना भी क्यों देने का जरूरत नहीं है. नाउ c4 इज हैपनिंग. प्रतीक दास, सागर सर, सागर सर को बोल के थक गया सर, एक बार आनंद बोलोगन 2003 डॉर्टमुंड रैपिड चेस का एनालिसिस दिखा देंगे. यस श्योर, आनंद बोलोगन, रायलोपेस ना, और कैरो कैन, विच वन? देयर आर सो मेनी गुड गेम्स. आनंद बोलोगन, नो रिदिमन, आई डोंट डू लाइव इन शैम्बजर कोलकाता. ओके, दिस पोजीशन इज विनिंग, जस्ट टेक दिस पॉन. 9000 लोग देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए भाई. 500k डन एंड आई होप आज 1400 भी हो जाए. ओके, पुश द पॉन, कम ऑन. यश गुप्ता से बिग फैन सर, थैंक यू, बट आई डोंट नो इफ यू टॉकिंग अबाउट मी और समय, बट ओके ईदर वे थैंक यू. आनंद लॉटियर, यू मीन सेंटर काउंटर 86 गेम? या श्योर मान्याक, आई कैन शो दैट. आई विल शो दैट इन माई सोलो स्ट्रीम. Anish video on Magnus Carlsen, I haven't seen that. I don't know what is that. Okay, this Samay is completely winning. I would play rook e5 here, just to make sure, you know, there is no... Pratik Dash, you are saying Karo can Anand Bologan. Wait, was this rapid? You are talking about this game, right? Where he takes on e6. There's a very funny story along this. So, ye game ke pehle Anand Calcutta aaya tha ek baar. And then we are eating in some restaurant in Park Street. और वो मुझे ये नॉवेल्टी बोला था कि लाइक सूर्या, यू नो आई हैव दिस नॉवेल्टी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि क्यों, लाइक इतना स्ट्रांग नॉवेल्टी मुझे क्यों बोल दिया. देन मैं उसको पूछा था, तब हम लोग काम नहीं करते थे साथ में, तब मैं उसको पूछा था लाइक कैन आई प्ले दिस नॉवेल्टी, एंड ही इज लाइक या श्योर यू कैन प्ले, बट या देन ही गॉट द चांस. हेलो हेलो हेलो, यो यो यो, गुड गेम, गुड गेम. जस्ट फ्यू मोमेंट्स, तुमको बोर्ड दिख रहे हैं? हां, ओवरऑल वेरी स्मूथ, जस्ट फ्यू पॉइंट्स आई वुड से. उसने शुरू में ही वो ब्लंडर कर दिया, फिर मजा नहीं आया गेम में. एकदम, इट वाज ऑलमोस्ट लेस फाइट. दो चीजें, लाइक दीस आर अननेसेसरी काउंटर्स, लाइक यू अलाउड रुक d2 फॉर नो रीजन, यू कुड प्ले रुक d1 टू स्टार्ट विद. या, दिस वाज वन. लाइक इस गेम पे फर्क नहीं पड़ा, बट इन जनरल आई एम सेइंग अबाउट द एटीट्यूड, इवन हियर, या दिस इज द क्लियर वीकनेस, जस्ट ब्रिंग योर रुक. ना, you know what, I thought I will trap his rook, then I miscalculated that. Yeah, because you changed all his weak pawns, but okay. Yeah. Overall no problem in general. In the end, did I have one mistake? I thought, can you go ahead? Here also I thought you could save the pawn. You can first do this and then go for this pawn. Why give any counter? Yeah, no, you know, I thought I will go for a mate. I was setting up a mate, but he didn't fall. Yeah. But as I say every time, right? It's important how safe you are. Here. Go back. Here I thought, what if c6 check? Maar doge na. Go back. Here c6 check. King c5. Okay, yeah. Got it. But basically, just to say, yeah, like this also wins. If he takes?
दिस आल्सो विंस एक्चुअली आई मीन द ग्रुप ऑन एंड गेम इज विनिंग मुश्किल है प्रोग्राम मेरे लिए पर हां ठीक है कैन आई प्ले अ नाइस वन गुड गेम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डू आई हैव टू चेंज और इट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज आई थिंक इट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज गुड डू यू सी या या ऑलरेडी यू गॉट वाइट अगेन या या चल चल अच्छा 1375 उसका रेटिंग इसका है 1376 ये जीतेगा तो कितना मिलेगा इसको एनीबॉडी नोस आई एम नॉट गुड एट ऑल दिस थिंग्स So, Queen's Gambit again. समय तो E4 और C4 खेलता था आजकल D4 भी खेलने लगा क्रॉप बोट हो गया सॉरी बेटा ऑलराइट H4 आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दिस मूव बट ओके So you can develop the queen. You can develop the bishop. You can play what? You can develop the bishop here. You can develop the bishop here. Anything is good. Queen b3 is particularly good because it attacks this pawn and attacks the knight. Abhijit Sarkar is saying getting the analysis from you for free is the biggest robbery. You know, ironically, the fact, as I said in previous stream also, in our time it was like really we could not imagine that we can even have a conversation with a grandmaster. But nowadays, okay, thanks to the popularity of chess and so many grandmasters in India, it's very good for Indian chess in general. Like, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है बाय द वे ये मूव खेलने का कोई जरूरत नहीं था ही कुड प्ले e4 एंड देन वी वांट द बेसिकली वी वांट ब्लैक टू टेक नाइट इनटू c3 सो दैट आवर पॉन कम्स हियर एंड गिव्स अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू d4 पॉन चैट आस्किंग अबाउट स्टोरी व्हिच स्टोरी आस्क मी गाइस अ नॉवेल्टी स्टोरी या तो फिर आनंद बोला कि तुम ये नॉवेल्टी खेल सकते हो एंड देन आई वाज लाइक सच में खेल सकता हूँ सो या बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट एक्चुअली ही गॉट अ चांस टू प्ले इन अ रियली क्रूशियल गेम बोलोगान के साथ बट इट वाज वेरी नाइस जेस्चर फॉर हिम यू नो लाइक टू गिव अ वाइटल नॉवेल्टी टू अ यंगस्टर फॉर नथिंग लिटरली सो जब से मैं आनंद से मिला I realized how humble, you know, even at the highest level, कितना humble होते हैं लोग. And actually, वैसे देखा जाए तो जितना लोग better खेलते हैं, उतना उनको पता होता है कि उनको कितना नहीं पता. So they are always eager to learn. They will never say anything, you know, like I know everything kind of thing. Yeah, Pratik, I know about Queen G4, Rook E1, Queen H3. So this Queen H3 move, which you are mentioning, this was the big idea back then. This was 2002, I think. 2002 or 2001. But you can check. I'm pretty sure this was not... I don't think it was rapid. Okay, meanwhile, what Samai did. So, I would never play Queen C2 here. Like, never. Because Black will anyway take. And then I would like to take in one tempo. Free ka move kyun do? Castle kar lu na? So... and here he did not see that this queen is not protected so e5 is the next threat fir e5 aa gaya abhi e4 khel sakta tha pata nahi kyun nahi khela queen b3 is a panic move you know what is a panic move why this happens it's a bit psychological I can guarantee
लाइक स्ट्रीम लाइक उसका गेम हो जाएगा, पूछेंगे हम लोग, ही डिड नॉट सी e5 एंड द मोमेंट ही डिड नॉट सी e5 वो इमोशनल थोड़ा अप डाउन हो जाता है, अरे भाई मिस कर गया अब क्या करूं, सो देन दिस इज अ पैनिक मूव. लाइक e5 इज नॉट अ ग्रेट थिंग, ही कुड स्टिल प्ले e4 एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, बट जस्ट द फैक्ट दैट ही डिड नॉट सी e5 ही मेक्स अ पैनिक डिसीजन. दिस हैपेंस एट एवरी लेवल. सो Anyways, so he plays this, and now he lost a pawn. So this is just it's a very important lesson, like winning position pe bhi, losing position pe bhi, to stay calm. That's the thing you want. Like no matter what, to stay calm. Yeah, now there is just pawn down. Okay, he has some activity at least. But even after, black will probably play. Sorry. Black will play probably king g7 after rook e7. There is rook f8. Yeah, guys, this was the Bologan game, rook sack in Dortmund. Rook e6 aata hai shayad. Anish roast Magnus in the video. I have not seen the video, guys. I will see. My take on Virat Kohli's unnecessary aggression. You know, Shakti, it's the Shakti traders. Yeah, it's a very interesting thing, right? So in we cannot compare football or cricket or such sports with chess, because their aggression actually might help. Like after a game, if you do this or during a game, josh aa gaya, aisa type karoge, to maybe you get more energy. इन चेस इट्स एक्चुअली रिवर्स. आनंद गेम के पहले आ करके जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला. सो हिज इमोशन शुड बी एट कंट्रोल. सो द थिंग इज लाइक इन चेस एवरी टाइम इमोशन हैज टू बी अंडर कंट्रोल. सो दैट्स व्हाई यू विल सी गेम के बाद भी वी शेक हैंड. क्या होता है मैं बोलता हूँ, मान लो मैंने कुछ ब्लंडर कर दिया और मुझे पता है कि मैंने ब्लंडर किया, बट ओपोनेंट हैज नॉट सीन इट, लेट्स से, एंड द ब्लंडर इज लेट्स से हैपनिंग आफ्टर सिक्स्थ मूव. Like, मैंने कुछ मूव देखा, इसलिए ये खेलेगा उस पर वो खेलेगा, एंड देन दिस ब्लंडर इज हैपनिंग. सो नाउ आई हैव रियलाइज दैट आई मेड अ मिस्टेक, बट आई कैनॉट शो एनी इमोशन. मेरा कान भी लाल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कान भी लाल हुआ तो ओपोनेंट देख लेगा. सो जितना मैं कोल्ड ब्लडेड रहूं उतना मेरे लिए अच्छा है. सो दैट्स वाई एनी काइंड ऑफ इमोशन इज इट डज नॉट हेल्प इन चेस. The more you are able to control your emotion during the game, that's what matters. But in other sports, probably it's like, you can show your aggression. Finding facts बोल रहा है, game दिखाओ. मैं क्या और क्या दिखा रहा हूँ मैं इधर? Bans का तो कुछ लगा के नहीं रखा है, game ही तो चल रहा है. So, yeah, this position is again equal. Rook a5 was unnecessary. See, you know why rook a5 was unnecessary? Because with rook a5, Samaya wants to block this king, but this king is anyway blocked because it is tied up. So it's an automatic move which has no sense. Snake cube, you want to see? Right. I have to solve this. I don't know if you can see this. Let me try and open this. This is the snake cube. ये इसको फॉर्म करने से क्यूब हो जाता है. थोड़ा ट्रिकी है ये, गूगल करो ना, मिल जाएगा. इट्स कॉल्ड स्नेक क्यूब, वेरी इंटरेस्टिंग. या गाइस, देयर इज अ टूर्नामेंट इन डिस्कॉर्ड. I know people will kill me for this, but I'm just changing scene once. I'll be back. Guys, there is a tournament. It's happening tomorrow. And top three players will get a chance to, play with me on live stream. So, do join my Discord and play this tournament, yeah? And don't kill me for changing the scene. You can still see Samay is thinking. And I've got this lovely photo. Anyways, back to game.
back to game, guys. क्या हो गया? Where did we leave? ये देखो बेकार में ये पॉन भी छोड़ दिया. Now in order to defend this pawn, he also allowed black king to enter. Now black king also entered and this pawn is also attacked. Draw हो जाए तो अच्छा है. But now this pawn is gone. It's a very complicated endgame. Discord link, yeah, Discord link. It's in description, guys. Discord link is in description. Photo is real. Photo is real. This was taken in. Can I change once more? Okay, I will change once more. You know, this was taken in Prague. It has been edited, of course, but the actual photo you will find in my social media, Instagram pe hoga. The original photo. अच्छा है ना? Do you like it? All right. There is a very interesting endgame which can arise. ये अगर change हो जाता है और king pawn endgame पे अगर ऐसा same pawn structure रहता है और black का king यहाँ, white का king यहाँ और मान लो black white का pawn यहाँ and rooks are not there. तो जिसका मूव है वो जीतता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गेम. लाइक सेम पोजीशन, इफ व्हाइट वुड हैव किंग पॉन ऑन g3 एंड इफ व्हाइट कुड प्ले किंग f4, व्हाइट एक्चुअली विंस विद द पॉन ऑन g3 किंग ऑन f4, व्हाइट एक्चुअली विंस. इट्स अ वेरी गुड एंड गेम. और ये chess.com मुझे हर बार आर यू देयर एक स्टेटस मैसेज लिख के रख देता हूं, हां भाई आई एम देयर थ्रू आउट द डे. थैंक प्रतीक फॉर गिविंग द डिस्कॉर्ड लिंक. सब्सक्राइब्स कर दो गाइस. अभी मैं समय को बोला तो तेरा 5 लाख हो गया, मेरा तो 50,000 तो बनता है ना. व्हाट इज माय इलो रेटिंग, नमन शर्मा इज आस्किंग. आई डोंट नो हूज इलो रेटिंग आई एम आस्किंग. ओके, समय इज लॉस्ट. सो दिस एंड गेम आई विल शो इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रीम. सो ही हैड अ ड्रॉ हियर बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हैड टू स्टार्ट विथ किंग हियर and king d4. This is the only way to draw. But I cannot say this blind, then kisi ko samjhega nahi. So once the stream is over, I will show. This is lost, guys. Here. And the problem is black plays f5, f4, eliminates this pawn, takes this pawn. Guys, Discord jo hai, wo description pe bhi hai. So you can check that also. And yeah, thanks Mayur. Yeah, my highest has been 2676. And yeah, this is lost. So he'll play f4. He'll change this pawn, and then this pawn will go. That's the plan. पता है ये end game first time कहाँ पर दिखा था मैंने? हाँ, मेरा show पे होगा. When first time Divya, Prag and Nihal joined. In the episode Gangs with Gangs, you will find this in my YouTube channel, and there I showed them this endgame. As a matter of fact, they also did not know, so we can't blame Samay for not knowing this. काफी लोगों को ये पता नहीं है. It looks like so drawn कि काफी लोगों को ये पता नहीं रहता है कि endgame. फिर अनिश गिरी का एक्सट्रीम हुआ था, उसपे वो बोला था कि he won a game, and then he said, you know, he also saw this in my stream. Yeah, now this pawn is lost. No, Govind, I don't think any game is going boring. No game is boring, actually. It all depends whether we are actually, how much we are understanding the game. For me, for example, this endgame is super interesting. Boring, pata hai kya lagta hai? Abhi kisi ko, let's say, Da Vinci ka painting bahut achha lag raha hai. Or we say, okay, this is not, it's very boring. So most of the time, things are boring when we are not understanding it. Maybe same reason, you know, like for me, rugby is kind of boring. Just because I don't understand it. But if I understand it, maybe rugby is also interesting for me. I don't know the exact rules of baseball. So
जब मैं बेसबॉल देखता हूँ मुझे लगता है क्या चल रहा है, विश आई नो ऑल द रूल्स. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज. Yeah, this is lost. It's completely lost. King comes here. King eventually the square will be gone. Then black will sack this pawn, pick this pawn, and queen this pawn. This is elementary. They're saying opponent stream sniping. I don't even know who is this opponent. Kevin 123. But anyways, right? Like in chess.com or har ek online chess pe cheating chalta hi rehta hai. Iska hum log kuch kar nahi sakte. We don't know. But the only thing we can fix is our own game. So ye bol ke kuch fayda nahi hai. Like agar like I don't think this guy was cheating or anything. But agar samne wala cheating bhi karta hai, to bhi aap apna jo game hai wo to improve kar sakte ho na. Yeah, now it is completely lost. Don't show the Mayur is saying don't show the moves. How things will change? Anyway, it is lost. here king g2, yeah, and king f3 again. Come on, no, but it's fine, guys. I'm least bothered what his opponent is doing. Why should I care? Why should I care? Because anyways, let's say even if he is what are you calling this stream sniping, it's his loss. He's not learning. So cheating gets us nowhere. And no matter what, you know, like Samay has to learn this endgame. Yeah, this endgame is very, very interesting. Super interesting. And now only move king g4. Absolutely. King g4 has to be played. Nothing else. See, he was not falling. My bola king g4. Come on, king h1. That's it! That's it! सब कैलकुलेट कर लिया था ना तूने? थोड़ा बहुत तो किया था. क्या हो गया? स्टेलमेट देख के मजा आ गया. बहुत ही अप्स एंड डाउन्स इस गेम में यार. हाँ, नहीं, इन गेम वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मेरे को इतना पता था मेरे को डायगोनल ऑपोजिशन रखना है. तो मैंने सही किया क्या लास्ट में? नहीं नहीं, दिस इज कंप्लीटली लॉस्ट. ये लास्ट पोजीशन ना, इट्स वेरी बोलो कैसे जीतना है ब्लैक को? ब्लैक को किंग f3. किंग f3 पे वो खेलेगा, तुम खेलोगे किंग g1. हां, मैं तो कैट गैम्बिट में आने वाला था, पता है क्या? इधर एक ही तरीके से जीत सकते हैं, बोलो. कैट गैम्बिट. कैट गैम्बिट. But it's, this is the one, no. After this, you just go king e2. King e2? Either rake, okay, talk, talk, talk. sorry. You go just g3. So king king f3, king here, king g3 you are saying. I'll play king. No, g3. So what is your first move? As black. Yes, here. As black, here I will play king... King f3. I play king g1. Then I will play. Sorry, g3. I'll not play king g1. I'll play king h2. Then though it's very happy I am. Because then I will play king f2. Then I'll play king h1. Aur bolunga kya kar liya tumne? I will play king f3. You will play king h2. Hmm. I will play g3. Chalo, check. Movie kar de. Tumne ye khela, maine ye khela. Haan, g3 check. Bye bye. भाई तो बहुत मुश्किल है यार ये. हाँ, ड्रॉ हो गया भाई. अली रेजा फिरोजा को नहीं आता, मैं क्या बोलूँ ये. यहाँ पे एक ही विनिंग प्लान है, किंग g3 जाना होगा, किंग हियर, और इधर अगर तुम यहाँ पे जाओगे सेम प्रॉब्लम होता है. ही विल अगेन कम हियर. नाउ इधर वे ही विल कम हियर, सॉरी ही विल कम हियर एंड देन द नेक्स्ट मूव इज स्टेलमेट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो दिस साइड. That's the way to go. Got it. मजा आया भाई. So, yeah, इस गेम पे
काफी मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे चीज होता है गेम पे। एक ना मैं तो ये कभी ना मारूं, सॉरी मैं बोलूंगा कि तू आके मार, मैं ऐसे मारूंगा। सो आई वुड प्ले क्वीन बी थ्री हियर अटैकिंग दिस गेम। Did I play H4 too soon? आई थिंक सो, बट ओके दैट्स ऑल्सो, तुम यू लाइक टू प्ले दिस H4 H5, सो आई विल नॉट क्रिटिसाइज दैट। बट हियर आई थॉट नाइट D5 वाज लाइक अनप्रोवोक्ड, सॉरी बिशप D3 वाज नो नीडेड, नॉट नीडेड। And once this happened, yeah, here you could play e4, for instance. Here e4, I was thinking, what if bishop takes? क्या करेगा? No, no. अभी तो उसने क्या खेला? तुम वो queen d7 खेला, so you could play अच्छा उसने खेल e4. दिया। हाँ मेरे को तुम लगा था मैं बिशप e4 खेलूंगा, वो मारेगा मैं मारूंगा, मैं मार, अरे यार मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ यार। हाँ मैंने कुछ तो कैलकुलेट किया था e4 पे, कुछ तो गलती हो रही थी तुम मेरे से मारेगा, तुम e4। मारोगे, तुमको सेंटर आ गया ना, लाइक तीन पॉन यहाँ पर है, क्या अच्छा करोगे? हाँ जो छोटा छोटा चीज जो मैं मुझे That one can avoid. Black तो कभी ना कभी मारेगा इसको, हाँ फिर तुम मारोगे इसको, हाँ तो ये क्या मिला तुमको? मेरे को लगा मैं पिन करूंगा e4 जाके। तो वो तो मार देगा ना, वो तो देखेगा, चवन्नी का टैक्टिक्स लगाओगे तो कैसे चलेगा? कैसल करना, कुछ भी कर। समझ गया, हाँ मैं समाचारों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना यार। ओके, नाउ नाउ आई गेट इट। अच्छा अरे वो ये हरा देगा भाई मेरे को। देखो, यहाँ पर एक साइकोलॉजी हो गया तुम्हारा। सो हाँ मैं स्ट्रीम पे भी बोल रहा था, आई एम 99% श्योर तुमने ये E5 आ रहा है ये तुमने देखा नहीं। नहीं देखा। हाँ एक तो देखा नहीं, और जब देखा नहीं तब साइकोलॉजिकल थोड़ा अप डाउन हो गया। एक्चुअली E5 इतना कुछ खास नहीं है, तुम अभी भी E4 खेल सकते हो, क्वीन हटेगा D5 डाल देगा। E4, अरे E4, E4। बट द फैक्ट जो तुमने E5 देखा नहीं, इट्स अ पैनिक मूव, दिस हैज या नो सेंस। मुझे डर लग गया, मेरे को लगा कि हाँ अब मैं कोई एक्सचेंज करके देखता हूँ क्या होता है। एग्जैक्टली, सो वेन एवर वी आर इन पैनिक वी प्ले सच मूव्स। तो गेम पे ऐसा कभी मूव मिस हो गया ना, कभी ऐसा पैनिक मत किया करो, ठीक है? फ्रेश पोजीशन, फ्रेश लुक, मूव ऑन। लाइक एवरी टाइम कुछ मूव मिस करोगे ना, तुम स्ट्रीम पे टूर्नामेंट पे मेरा फेस याद कर लेना। मूव ऑन, ठीक छोड़ो, नेक्स्ट देखेंगे। सो टेक टेक, ओके देन, पोजीशन बहुत ही खराब था, बट देन ओके यू फाउंड दिस काउंटर, स्टिल वेरी डिफिकल्ट। हाँ एक मुझे जो ये जो अच्छा नहीं लगा कि व्हेन यू प्लेड दिस, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू कवर द किंग, राइट? या आई वांट टू वो लक्ष्मण रेखा बनाया है। हाँ तो बट लक्ष्मण रेखा तो है ऑलरेडी, किंग तो वैसे भी हटता नहीं है, नहीं आगे आगे ना आ जाए। कैसे आएगा ये पॉन तो अटक है, तो अरे इधर अपना किंग F5 की तरफ। मार दूंगा मैं पॉन को। ओके सो पॉन इज लाइक किंग इज एनीवे स्टक। देन आई आल्सो थॉट द किंग इज बेटर प्लेस्ड हियर बिकॉज़ यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस पॉन। मुझे लगा मेरे वो 3 पॉन ज्यादा, वहां पे 3 पॉन है तो मैं वहां जाता हूँ। एंट्री नहीं है उसका, लाइक वो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, उसके बाद भी उसका एंट्री नहीं है। वो इधर आएगा फिर तुम उसको पकड़ लोगे किंग सी पे, लाइक अरे यार मैं सोचा नहीं इतना। ऑल द स्क्वायर्स आर कंट्रोल। ठीक है, जो तुमको दिखाना था, लाइक ओके वी गॉट दिस पोजीशन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। तो ये जब पोजीशन आया था, मैं बोल रहा था कि मेरा स्ट्रीम पे एक बार दिव्या निहाल और प्रॉग व्हेन दे केम फर्स्ट टाइम, आई शोड देम अ पोजीशन कि पॉन यहाँ पर रहता है, व्हाइट का किंग यहाँ पर, ब्लैक का किंग यहाँ पर, ये पोजीशन पे जिसका मूव है वो जीतता है, और ये लाइक काफी लोगों को पता नहीं है। सो ओके लेट मी मेक सम मूव, या सो दिस वाज योर ओनली मूव, बट आई जस्ट जस्ट टू शो, द पोजीशन। वही खेला ना मैंने। हाँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो द पोजीशन। सो ओके लेट्स से दिस इज द पोजीशन एंड व्हाइट टू प्ले, ये तो एकदम ड्रॉ लगता है कि हाँ कुछ होगा नहीं, बट दिस इज व्हाइट इज विनिंग हियर। आई विल प्ले दिस नाउ, ईदर यू हैव टू अलाउ दिस और दिस, सॉरी और दिस, कौन सा तो एक स्क्वायर तुमको देना होगा। लेट्स ओके चूज किंग समथिंग, कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे? किंग E6। E6, मैं किंग यहाँ पर जाऊँ, मैं बोलूंगा अभी ओके तुम्हारा तीनों पॉन फिक्स्ड है, एंड एट द राइट मोमेंट आई विल प्ले F5। नाउ लेट्स से यू प्ले किंग E5, आई प्ले F3, यू हैव टू मूव द किंग एंड यू हैव टू कीप एन कंट्रोल हियर। नाउ आई विल प्ले F4, ऑल दिस पॉन्स आर फिक्स्ड, अगर वो पॉन आगे आ गया तो ये पॉन मर जाएगा। गॉट इट। और इसको मारूंगा फिर इसको मारूंगा। द ट्रिक इज राइट, लाइक यहाँ पे अगर तुम लेट्स से यू प्लेड दिस हियर, इफ यू गो हियर ऑल्सो, F5, नहीं F4। F4 पे किंग E6 उल्टा हो जाएगा, सो पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट F3, क्योंकि ये सब ओके फिक्स्ड है। तुम हटोगे तो मैं किंग यहाँ पे जाऊंगा, फिर से हेल्प ले F4 F5 एंड देन डू द सेम ट्रिक,
and only when you play king e6 now I play f4. Okay, nice, no? Very nice. Yeah. So here with that logic, your only chance was to stop somehow like this. And मैंने क्या किया? तुमने खेला यहाँ पर किंग सी3 नहीं खेला, तुमने कुछ g3 खेला. गेम कैसे आता है? हाँ, सॉरी. ये तो फिर हाँ, तुमने यहाँ पर खेला, तुमने g3 खेला. तो अभी हो गया कि उसका किंग यहाँ पर आ ही जाएगा. सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ ही जाएगा. यू कैन नॉट स्टॉप दैट. एंड योर किंग विल बी कमिंग हियर एंड देन इवेंचुअली विल प्ले f5 f4. या मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया. नहीं, इधर तुम्हारा लॉस्ट ही है. देयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. स्पोर्ट्स लॉस्ट. मैं बस मैसेज टाइप ही कर रहा था और इतने में वो हो गया. यहाँ पे हम दोनों किंग नीचे, इतना फनी लगा ना मेरे को वो. चलो, आज का स्ट्रीम का तुम्हारा प्लान क्या है वैसे? ह्यूमन फॉल फ्लैट का क्या गेम है वो खेल रहे हैं. ओके, फॉल गाइस सुना था, अमंग अस सीखा, वैसा ही है. ह्यूमन फॉल फ्लैट ऐसे टाइम पास गेम है. अच्छा. उसमें कोई रुक पाने गेम नहीं, बस बवासीर मचाते हैं और टाइम पास करते हैं. हाँ, मैं बोल रहा था, मेरा भी एक टूर्नामेंट है डिस्कॉर्ड पे. ओह, एपिक. दिखा रहा था, कल है ये. बढ़िया, कितने बजे? फुल गेम है, 4 बजे शायद. वो डाला है कुछ तो, लिंक पे डाला है. तो मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ? करो करो, टॉप 3 के साथ मैं लाइव स्ट्रीम पे खेलूंगा. परफेक्ट. तो कब खेल रहे हैं हम कल लाइव स्ट्रीम पे? यार वंश लिख दे कब खेल रहे हैं, मैं भूल गया. शायद 4 बजे है वो. लिंक पे होगा. गॉट इट. कुछ तो chess.com पे क्लब भी है मेरा नाम का, तो उधर होगा टूर्नामेंट. सूर्या गांगुली का क्लब है. डन डन. आप कभी खेलोगे ऐसे टाइम पास गेम्स? कौन सा टाइम पास गेम? मैं तो Among Us कितना बार, फ्लैट, ये फॉल गाइस, कितना बार आएगा? हाँ, खेल सकता है ना. Among Us तो कितना बार खेला हम लोगों ने. Among Us फिर भी थोड़ा वो है ना, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगता है. एकदम चिल गेम, मतलब जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगे, एकदम चिल करो तुम. हाँ, करता हूँ कभी कभी. तुम्हारा गेम देख लेता हूँ जब नहीं. प्रॉब्लम सॉल्व करेगा थोड़ा? हाँ, प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ. सर्वाइवल करेंगे? हाँ, सर्वाइवल करते हैं. लेट्स डू सर्वाइवल फॉर 10-13 मिनट्स. मेरा है तो इसको थोड़ा ठीक करना होगा. क्या चल रहा है चैट पे? क्या चल रहा है? चैट देखा ही नहीं काफी देर से. बस मेरे को लास्ट में रेड मार देना, ठीक है? चलो दोस्त, हमारे पास 13 मिनट है. लास्ट पे मैं तुमको रेड मारूंगा. हाँ, मैंने एक्सट्रीम शेड्यूल किया उस पे. मैं तुमको रेड मारूंगा कल, तुम मुझे फिर लुसाना सिखाओगे. भाई क्वीन h5 चेक, किंग यो यो यो. क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं बोला इट्स लाइक यू टीचिंग मी दिस थिंग. नहीं नहीं, मतलब बट इट विल हेल्प नो सो मेनी पीपल आर वाचिंग. पक्का पक्का, एब्सोल्युटली. हियर वी गो रुक b1 चेक, किंग गोस इनसाइड एंड वी गो रुक. Yeah, we just take one second. We just take the rook. Okay. It's who's to move? Black. Okay, black to move. This is simple, no? We just give rook f3 check. King takes the pawn. We take the rook, and then we just promote the pawn. Okay, this is black to move. Uh-huh. जो भी साइड वो फ्लिप ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो व्हाटएवर साइड यू आर सीइंग, यस, इट हैज टू प्ले. ओके, आई कैन सी नाइट d3 चेक. इफ रुक टेक्स मेट, पॉन कांट टेक. ब्यूटीफुल. इफ किंग मूव्स, देन आई एम थिंकिंग व्हाट वी कैन डू. वी कैन टेक द क्वीन. या नीलेश गुंटा इज आस्किंग, आर्क समय व्हेन ही विल रिलीज मैच. व्हाट इज मैच? Merch, yes, I'm releasing merch, dosto. Merch, I will show you tonight after the stream what all merch is there. Kya hai? Mujhe bhi bolo. Merchandise, basically shirts and posters and all of that. Ah, tumhare naam ka. Ha. Okay. Queen. One sec. Okay, I see queen. Basically, f2 check. King goes inside. One second. Wo mera mouse chala jata, tumko dikhta hai kya? हाँ, मेरे को दिखता है इसलिए. मेरे को बिशप d6 चेक दिख रहा है, पर उसको कुछ हो नहीं रहा. तो लेट मी जस्ट थिंक. बिशप d6 चेक पे हो रहा है. बिशप d6 पे वो किंग h1 खेलेगा, चेक आ रहा है फिर तुम्हारा. पर वो है ना, अपना पेन है ना यार. रुक जा रुक जा.
अच्छा वो मेट भी नहीं कर सकता अगर हमने सीधा ई टू खेल दिया तो. लेट मी कैलकुलेट ई टू, उसका और कोई थ्रेट है क्या ई टू खेलने पे? हाँ ई टू क्वीन टेक्स एंड वो ओके सिंपल. दिस इज बिशप टेक्स एच सिक्स, इफ ही टेक्स बैक क्वीन एफ सेवन चेकमेट. ओके दिस इज knight takes knight, if queen takes then queen h2 checkmate, if pawn takes also queen h2 checkmate. It is white to move and here we will play rook one sec. Oh, the rook is hanging, but can he threaten our rook? Okay, we first have to save our rook, only then can we take the rook, otherwise he will take with this. No. So if we go, is his queen trapped over there? Let me think. I don't think it is. His rook is free. If we take, he takes. Then we can't give a check. Human fall flat on red check. Okay, let's try this. No. Rook f7, threatening the queen. But do we have anything better? Let me see if any checks are there. We have one check. Then we have one check here. Always good to note what pieces are protected for both sides and unprotected. His rook is hanging. I'm just thinking if we take the rook directly, he takes our rook. And then we take our rook. This is simple. We take his bishop. We win a bishop. Itna kya socha maine. Okay. What is it? White to move? Yep. White to move. We give a check. He comes. Oh, so we just take the rook and give a check. He defends with rook. We take the knight. White to move. And here we will go. Yes, guys. I will watch Anish Giri video. कुछ तो Magnus का बना है. देखा क्या तुमने? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा. मैं अभी देखता हूँ. Here if we go. So many options here. Let's go. Okay, let's just go rook e8 check, rook takes and rook takes again instead of queen takes mate. It's white to move and we just have to play rook g6 check because king can't go anywhere else. It will have to go to king h4. That's when we'll go g3 check and it will come king e h3 and we'll go rook h6 checkmate. Galat. रुक जी सिक्स चेक से तो शुरू करना है मेरे को लग रहा है. रुक जी सिक्स चेक इफ ही गोज अप इज द प्रॉब्लम. नो ओ दैट्स द प्रॉब्लम. गॉट इट. नहीं थोड़ा स्लो जल्दी छोड़ रहे हैं. रुक जी सिक्स चेक किंग एच फाइव को सोच रहा हूँ मैं. किंग एच फाइव को नाइट एफ फोर चेक है और उसके बाद किंग एच फोर के लिए हमारे पास जी थ्री चेक है एंड दैट इज ऑल ओवर. गुड इट इज वाइट टू मूव. ओके दो रुक है हमारे पास. इफ वी गो रुक एफ ए चेक ही विल गो हियर देन वी विल ओके. ओ जस्ट गिव अ रुक एफ ए चेक एंड पिक अप द रुक. नाइस. इट इज ब्लैक टू मूव. दिस शुड बी सिंपल. यस इफ वी जस्ट गिव अ क्वीन वन सेकंड. We just give queen b1 check, king goes inside and we go rook h3 mate. It is black to move. If we, so many options again, if we, but this looks tasty. Tasty, we should go for tasty. H3 I'm thinking, just let me think of one second. H3, he goes g3 and
No, let me think. Please don't give any hint. When is Chokdi? What is Chokdi? Chokdi is like four people. It's a squad. It's me, Karan Singh, Boomer, Suhani, Shah, and Game of Fleet. Okay. Or like whatever you do, it's like part of Chokdi, or when you play some certain games. No. It's just the four of us. So many other. Chokdi is there. Wolfpack is there. The other people, and then Jagrata gang is there. Mehfil is there. What is Mehfil? Bot Aram. Mehfil is me, Karan Singh, Boomer, Nishant Tanwar, and Game of Fleet. Awesome. Basically, Nishant Tanwar replaces Swansha. Right. Okay. Is it what I'm thinking? Is it Bishop? That's kuch dono ka birthday. Okay, Pratik Raj, happy birthday. And kiska mom? Nilesh mother's happy birthday. Nilesh ki maa ka janamdin hai aaj, so happy birthday to Nilesh's mother. Happy birthday. Have a good one. Even though it's COVID, you can't do much, but. You know Bhuvan Bam, Surya? I know. Yeah. He also is COVID positive. He was in. Yeah. He came live yesterday. Yeah. अभी तो almost सबका हो गया होगा ना, like दिन को नहीं. नहीं हुआ यार. अब तो पता नहीं है. आधे लोगों को हो गया, आधे लोगों को पता नहीं है. Checks देखो, checks कोई नहीं है इसमें. एक जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो captures देख रहा हूँ मैं अभी. Bishop takes एक है. Bishop takes. Queen g5, bishop goes back, h3. Kyun mate? Kyun matlab h pawn dekho to dhakka dena hai rehta hai kya? Do move pe jeet raha hai. Simple, ekdam simple socho. किसी ने कंफर्म किया मुझे, कार्तिकेय शर्मा सब्सक्राइब्स कर दो गाइस. सूर्या गांगुली इज अ नाइस पर्सन. आई कंफर्म करके कितना सारा हार्ट स्लेच दिया. आई कंफर्म. ओके शुरू करते हैं. देखो कैप्चर एक ही है, तो कैप्चर करते हैं. बिशप टेक सी1 मार दो. गलत तो गलत. चलो ओके लकी. एंड नाउ इफ वी गो, सी आई हैव एन ऑप्शन ऑफ f4 आल्सो. उससे हमको काफी कुछ सेंटर वेंटर मिल जाएगा, पर उससे बेटर है क्या कुछ? मेरे दिमाग में तो f4 ही आ रहा है यार. तेरा दिमाग कोई कुछ और, तेरा खुद का स्टेम आ गया. अरे यार मैं क्या गधा हूं यार. रुक से वो बिशप फ्री है. रुक से बिशप फ्री है यार. माइंड कहीं और चला गया. ओके वाइट टू प्ले. इफ आई टेक, दैट्स इट. यू हैव टू टेक इट. एंड नाउ वेट. नाउ आई गो रुक डी. नाउ आई गो रुक टेक्स b3. इफ ही गोस रुक, देन वी गो रुक b8. And now we will go king, and then we'll castle. We'll promote. Nice. Okay. It's white to move. Yes. We will go. Rook takes knight, and if pawn takes, queen takes queen. Rook takes knight. So queen takes queen, and then rook takes queen. कोई ऋषिकेश पाटिल मुझे लिख रहा है, सूर्या शेखर गांगुली आई विल मीट यू वंस इन अ लाइफ टाइम. जस्ट वंस यार. एक बार मिलेगा, उसके बाद कभी नहीं मिलेगा. बात खत्म. ओनली वंस. डील डील. टेक्स क्वीन. विल मीट वंस. जस्ट वंस. ब्लैक टू मूव. दिस इज सिंपल. दिस इज c4 चेक पिक्स अप द क्वीन. बट स्टिल वन. वी फर्स्ट टेक द बिशप आल्सो, देन क्वीन टेक्स बिशप, एंड नाउ वी टेक द क्वीन. नाइस. ओके इट्स ब्लैक टू मूव. यप. This is simple. We first take one second. There are two options. I'm just thinking which one is better. एक अच्छा है, एक गलत है उसपे. शुभपोतिम भट्टाचार्य जी शुभो विजय. Okay, we go knight takes d4. If queen takes, then we go bishop takes with check. If we go knight takes d4, he goes bishop takes. Then we go knight takes e2 with check, and then we take the bishop. Good. Speed बढ़ गया तेरा. Okay, it's black to move.
Okay, this looks simple. If we go rook g2 check, he will go king h4. Then we will just go rook. There's so many things we can do. But let me think. Rook. Another check is rook c5 check also is there. Rook c5 check, pe he go rook h4 and we don't have anything. Either we can also take the pawn that's free. What should we take it? Should we take the free pawn? I don't think we should take the free pawn because it's... I think we are winning. If we go rook g2 check, king h4, rook g4 check. If king h3, then we have rook takes f4 check. He moves, we take the... we just go. Rook g2 check. Koi mujhe Bengali mein baat karne ko bol raha hai. Toh ekhon dekha ami Bangla e kotha bolbo. Ki khelbi ekhane? Jol podi jabe, jol khabe. Rook c4. Ekdom theek. Okay, it's what to move? Black to move. कोई पूछ रहा है तुम्हारा स्ट्रीम कितने बजे है वैसे? वो तो है 11:05. I can change that. Okay. Someone is asking what is my expectation from Samay at COB3. My expectation is that he enjoys playing chess. That's it. I love you, yaar. That's the best thing, always. Rushikesh Patil says, I will meet you once in life and that will be a fan moment for me and as well as you. Okay, I will also have a fan moment. Sure. Haan, actually, a COB3 tournament kab hai? 17 ko hai ki 19 ko hai? 19, 20, 21. 22 ko finale. Yeah. Oh, I love you, Prabhat. He says, Surya is 37 years old but he looks like 25 years old. At heart, I'm like 17. Come on. कुछ मिल नहीं रहा क्वीन डी सिक्स चेक है बट देन ही हैज जी थ्री एंड देन एंड उसके बाद आई एम लाइक स्टिल ड्विंडलिंग कि क्या किया जाए उसके बाद वहां तक तो कर लेते हैं इतना तो है जब क्लियर okay. और कोई चेक नहीं मतलब नथिंग एल्स मेक सेंस यहाँ से मेरे को नहीं समझ आ रहा है यहाँ से इफ वी गो ओह मिल गया क्वीन d5 है मेरे पास पर उससे कुछ हो रहा है क्या मेट था ना h1 पे मेट क्वीन h1 पे मेट ना बट मेरे को लगा इट्स अ स्लो मूव बट ओके वी विल जस्ट टेक द नाइट इट इज वाइट टू मूव ओके माउस हटा लिया मैं ऑलमोस्ट मूव करने वाला था Someone is saying there is no way you are 37. Well, this February I'll be 38, guys. Dishant Tegi bol rahe hai, chutti kar do. Aap tum ghanta baja do bas. Main abhi chutti kar deta hu. क्या सोच रहे हैं फर्स्ट मूव नाइट ई6 सोच रहा हूं पर वो नहीं मैं क्या सोचना चाहिए फर्स्ट मूव ना सो फर्स्ट मूव तो अच्छा सोचना चाहिए कुछ अच्छा नहीं क्या सोचना चाहिए चेक कैप्चर्स राइट तो नाइट ई6 चेक सोच रहा था नहीं हो रहा है तो वही दूसरा चेक देख रहा हूं क्वीन एफ6 चेक देख रहा हूं अभी उसके बाद फोर्क मिल रहा है तो वही ले लेते हैं फिर क्वीन एफ6 चेक ओके वाइट टू मूव हां इधर सब लाइक फर्स्ट जहां पे एलिमिनेशन होगा ना हम लोग मूव कर देंगे सिंपल है ना यहां पे बस नाइट लेंगे हम पहले हां अभी सोचो अब हम एक सेकंड ये करेंगे हां अब हम पहले e6 मारेंगे और फिर वो जो भी करे हम f5 कर देंगे वो अगर मारेगा हम पढ़ा देंगे प्रमोट समय तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा स्ट्रीम है मेरा कुछ जल्दबाजी नहीं है सो इफ यू एनी टाइम यू वांट टू रैप अप आई कैन रेड एंड देन वी कैन रैप अप So this call you take, yeah? No rush. तुम बोलो कब क्या करना है? मैंने एक काम कर दिया है मैंने उन सबको यही Zoom link भेज दिया है तो वो जब भी आएंगे तो मेरे को waiting list में दिख जाएगा मैं तब शुरू कर दूंगा stream. Good. Awesome. मैं थोड़ा उसका time बढ़ा देता हूँ वहाँ पे 11:15 कर देता हूँ उसको just in case. कोई काम शुरू we might begin before that. कोई पूछ रहा है are you married? I guess they are asking me because they are pretty sure you are not married. Yes, sorry guys, I am married. Sorry.
बैड लक नेक्स्ट टाइम. या या एक्चुअली यू नो व्हाट आई नेवर हैड दिस बट लेट्स मेक लेट्स एंड दिस स्ट्रीम विद 30K. आई डोंट इवन 230,000 सब्सक्राइबर का दो यार. ओके आई हैव वन आइडिया व्हिच इज सिंपल. सिंपल इज गुड. सिंपल इज गुड. रुक E8 देन सिंपल. सिंपल इज ऑलवेज गुड. टेक्स टेक्स एंड वी विल गो नाउ किंग F7. ओके नाउ वी विल हैव वाइट एज White to play. Okay, this looks again simple. We go knight d5. If the queen moves anywhere else, it's gone, forked. Okay, now it's a very interesting position because we have 1 second. This is actually interesting. Okay, got it. Okay, okay, okay. I think the queen is trapped. We have to just place our queen at the correct spot. No. Yeah, yeah. Shubho Vijaya, everyone. Jara jara Shubho Vijaya, pochcha na. Sabai ke Shubho Vijaya. Ekla chalo re. Wow, wow, wow. Singing stream karunga na. Mera sare ke sare answer. Ekla chalo re. Haan. Nahi. আচ্ছা আমি একবার বাংলাতে একটা স্ট্রিম করব, পুরো স্ট্রিম বাংলাতে হবে. মেরে কো লাগ রহা হ্যায় কুইন সে কুইন লে লেঙ্গে. ওয়াও, ডিডন্ট এক্সপেক্ট দিস ফ্রম ইউ. এন্ড নাও ও খেলেগা তো আব আমারে পাস ও নাইট হ্যায় নাই তো ও পিন হ্যায় ভেসে ভি ও নাই লে সকতা আমারা আগার হাম মার ভি দেতে পন. আই ডিড নট এক্সপেক্ট অ্যাকচুয়ালি দিস ফ্রম ইউ. মুঝে লাগা বাত কর রহে হো. तो मुझे लगा तुम वो मेट करने के लिए जाओगे. हमेशा मेट करने के लिए जाते हो. अच्छा था. दिस वाज गुड. 30K डन. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट गाइस. आई कांट चेक राइट नाउ. आई डोंट इवन नो हाउ टू चेक बट आई ट्रस्ट यू गाइस. ओके हाउ अबाउट वी जस्ट प्ले सिंपल एंड वी गो C6. हां और अभी वैसे भी हम लोग पूरा ब्रिजेस तो सब बर्न कर चुके हैं ना. लाइक हमारे पास रुक डाउन है. सो दिस इज आवर ओनली C6. वो कुछ भी करे हम अपना रुक भी दे देंगे उसको. किंग अब केयरफुली रखना है. मैं किंग G3 रखना है ताकि उसके पास कोई चेक ना हो. ब्यूटीफुल. एंड नाउ वी विल गो रुक सॉरी वी विल गो क्वीन B7 मेट. नॉट मेट येट. ओके नॉट येट. वेट. थैंक यू गाइस. C7 चेक. If he comes up, now we will give a 1 second. Promote. Should we promote? Promote and check. He can't take it. Yes, promote with check. Good. Okay, it's black to move. Yes, also easy. Black to move. All right. Happy birthday, Pulkit. Mods, can you tell if it is really 30K or it's fake? No, 30K OP. Yeah, okay. Thank you. Thanks a lot, guys. Okay, how about we give knight takes knight, queen takes, we go G4 and we remove the queen from there. But Praveen Thipse ka kya story bola tha tumko abhi? Okay. Yaad hai? Hmm. Thak gaya na tu? Nahi, nahi, thaka nahi. Okay, main samjha ki wo pawn push karne se apna queen mar raha hai. वो मुझे भी समझा. तुम समझे. ओ गुड. नो. क्या कर रहे घोड़ा इज रिस्पेक्टेबल. घोड़े को और मैं टेनिस मैच नहीं देख रहा हूँ इधर. आप सोच ही गलत है भाई. अच्छा सूर्या भाई. हाँ जी. मेरी जनता आ गई है तो एक 30th वाला करते हैं. 30 पे रोकते हैं. हाँ 30. ये this is the last problem. This is the last one. विलू. Absolutely. Okay. क्या देख रहे हैं. क्या सोचना. अरे यार मैं गधा हूँ यार. Queen F3 check. Queen takes queen. Pawn takes and we take the knight. खत्म. Okay. With that note. एक सेकंड. नशा हो गया क्या.
भाई भाई बिशप h3 वो उसके नाइट के पास कुछ नहीं है सच के मूव ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हाँ वी फर्स्ट टेक एंड ही कांट टेक देन वी गो बिशप h3 यस ही कांट टेक स्पिन नाउ वी गो बिशप h3 अभी ए ब्लैक टू मूव है ना तू रुकेगा नहीं ऐसे भाई ये रह जाएगा कोई कोई दिक्कत नहीं दिस विल चलो स्टे चलो ठीक है ये रहेगा ना हाँ बढ़िया बढ़िया तो बाय 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 हाँ चलो तो इधर रेट करने के लिए क्या आई डोंट हैव टू गिव हाँ योर चैनल ना आप बस बोल दो लोग चले जाएंगे हाँ चलो लेट्स लेट्स रेड एट समय चैनल जाते प्लीज रेड मी देखते गाइस हैं एंड आई विल बी देयर एब्सोल्युटली तो सूर्या भाई थैंक यू सो मच यार फॉर टेकिंग आउट टाइम अगेन लव यू थैंक्स अ लॉट लव थैंक्स यू अ लॉट चैट प्लीज रीड द सुपर चैट बिफोर यू गो आल्सो मैं आप जूम से एग्जिट कर लोगे नहीं तो क्योंकि वो लोग इसी जूम में आ रहे हैं ना हाँ तो मैं जूम से निकल जाता हूँ पर चलो फिर आपका जो लेयर है अलग है ना कैमरा आपका अलग है ना जूम पे जो यूज हो रहा है नहीं वो एक सेकंड मैं ना ये जो जूम है पहले मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ जूम का जो विंडो कैप्चर है या ठीक सो है चलो नाउ बाय 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 चलो टेक केयर आई लीव हे गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच एंड या लेट्स गो टू समयस चैनल जस्ट अ रिमाइंडर वंस अगेन टुमारो देयर इज दिस टूर्नामेंट मेरा डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे डिस्कॉर्ड का लिंक रहेगा एंड दोज हु पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट टॉप थ्री विल गेट अ यू नो विल आई विल प्ले विद देम और आई विल सॉल्व विद देम एंड दैट आई विल स्ट्रीम लाइव सो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट विच इज टुमारो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर बीइंग देयर फॉर मेकिंग दिस 30,000 रियली अप्रिशिएट एंड आई होप यू लाइक माई लेआउट या आई गॉट अ फ्लावर देयर इज अ टाइम एक लाल सांड आ गया इधर रूबिक्स क्यूब डाइस एंड या आई विल रीड लिटिल बिट ऑफ सुपर चैट्स अगर मैं कुछ मिस किया तो प्रतीक राज यू हैव विश्ड यू हैप्पी बर्थडे ऑलरेडी माय टेक ऑन विराट कोहली आई ऑलरेडी सेड आई थिंक आई रीड ऑल द सुपर चैट्स गाइस लव द फोटो ऑफ द ग्रीन रेप्टाइल यू पोस्टेड ऑन ट्विटर गांगुली द या आई लाइक दैट फोटो टू आई एक्चुअली रियली लव इट सो या यू नो व्हाट एक्चुअली लेट मी शो दैट फोटो दिस इज वन ऑफ माय आई मेट दिस क्रिएचर इन ऑस्ट्रेलिया ग्रीन पाइथन चेक दिस आउट Check it out, guys. Amazing, right? Some mesmerizing effect है कुछ इसका. And also, I will very quickly. I know you guys will be going to Samay's stream, so I'll not take much of your time. I just wanted to show my photo from Prague. Trying to find it right now. So yeah, this photo with Python, right? This was taken in Prague. I don't see it here right now. Just a sec. Should be there. I get a photo. Yeah, there it is. There you go. There you go. So, yeah, this is the one taken in Prague. I have fascination with wildlife. I have huge fascination with wildlife. Anyways, thanks guys. See you soon, and take care. Shivam Shekhar is saying, "Tumhara super chat miss ho gaya. Kaha? Ah, 30K OP Congress Surya. Yeah, thanks Shivam, and." দাদা অনিশের নতুন ভিডিওটা প্লিজ দেখবেন আই উইল ডু দ্যাট গাইজ আই এম অলসো প্ল্যানিং টু স্টার্ট সাম সর্ট অফ মেম্বারশিপ ডু লেট মি নো ইফ ইট ইজ আ গুড আইডিয়া অর ব্যাড আইডিয়া আই থট ইট ইট কুড বি ইন্টারেস্টিং সামওয়ান ইজ সেইং থ্যাংক্স ফর শেয়ারিং সাম হিজ চাইল্ডহুড পিকচার্স অলরাইট গাইজ টেক কেয়ার বাই অ্যান্ড মাই এন্ড স্ক্রিন হ্যাজ অলসো গট সাম ইন্টারেস্টিং পিকচার ইউ উইল এনজয় থ্যাংকস ওয়ান্স ইয়া থ্যাংকস ফর reaching 1,000 in Discord.
soon I'll interact there too. Guys, bye bye, and do see my end pictures. There you go. Bye.